माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार, माननीय मुख्य अतिथि माननीय मंत्री जी को आमंत्रित करना चाहेंगे कि वह मंच पर विराजमान हो, अपना स्थान ग्रहण करें और जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए माननीय मंत्री जी के स्वागत में। उनके साथ मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा जी को, सचिव ग्रामीण विकास, डॉक्टर आशीष कुमार गोयल, अपर सचिव ग्रामीण विकास, श्री प्रवीण कुमार मेहता, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ग्रामीण विकास मंत्रालय, श्री चरणजीत सिंह संयुक्त सचिव एवं श्रीमती नीता केजरीवाल संयुक्त सचिव जी को। आप सभी से निवेदन है, कृपया अपने स्थान ग्रहण कर लें और सभी मोबाइल फोन्स को साइलेंट और निकास द्वार बंद कर दें। धन्यवाद। नमस्कार एंड गुड आफ्टरनून एंड हैप्पी वुमेन्स डे। माननीय मुख्य अतिथि श्री गिरिराज सिंह, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार, माननीय अतिथिगण जो हमारे बीच वर्चुअल मोड में उपस्थित हैं, साध्वी निरंजन ज्योति माननीय राज्य मंत्री ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, श्री फगन सिंह कुलस्ते जी माननीय राज्य मंत्री ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार, मंच पर विराजमान वरिष्ठ अधिकारीगण और वरिष्ठ अधिकारीगण जो हमारे साथ वर्चुअल मोड में हैं उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। श्री सुनील कुमार सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज एवं श्री अजय थर्की जी सेक्रेटरी लैंड रिसोर्सेस। विशिष्ट अतिथिगण, उपस्थित सभी प्रतिभागी, खासकर आज महिलाओं को हम सम्मानित करेंगे, प्रेस एवं मीडिया के सदस्य, देवियों और सज्जनों, आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित दीनदयाल अंत्योदया योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, महिला दिवस, नए भारत की नारी, सेलिब्रेटिंग द एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट ऑफ रूरल वुमेन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और एक बार जोरदार तालियां उपस्थित सभी महिलाओं के लिए। आज के ग्रामीण भारत प्रगति और समृद्धि के नए आयाम गढ़ रहा है। इसे मुमकिन बनाया दीनदयाल अंत्योदया योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के इस महत्वाकांक्षी मिशन ने देश के ग्रामीण इलाकों में गरीबी और निराशा की जगह एक सुनहरे और आत्मनिर्भर भविष्य की राह दिखाई है और अब आमंत्रित करना चाहेंगे श्रीमती नीता केजरीवाल संयुक्त सचिव दीनदयाल अंत्योदया मिशन ग्रामीण विकास मंत्रालय से कि वे अपने स्वागत भाषण के साथ आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें और एक बार तालियों के साथ स्वागत करते हैं श्रीमती नीता केजरीवाल जी का। नमस्कार। सबसे पहले सभागार में प्रस्तुत सभी लोगों को और विशेषतः जो हमारी महिलाएं विभिन्न राज्यों से आई हैं, सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि दीनदयाल अंत्योदय योजना महिलाओं के उत्थान के लिए कार्यरत है, इसलिए ये दिवस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रत्येक वर्ष हम इसे सभी राज्यों के साथ बहुत उल्लास से मनाते हैं। इस वर्ष ग्रामीण विकास मंत्रालय इस पूरे सप्ताह को महिला सशक्तिकरण सप्ताह के रूप में मना रहा है और नए भारत की नारी को उनके उपलब्धियों के लिए और उनकी योग्यताओं के लिए सम्मानित कर रहा है। इसी श्रृंखला में आज का ये समारोह का आयोजन किया जा रहा है जिसमें हम कुछ चयनित क्लस्टर लेवल फेडरेशंस को सम्मानित करेंगे जिन्होंने बहुत बेहतरीन कार्य किया है। साथ में जो हमारे बैंक्स हैं जिनका हमें हमेशा ही बहुत सहयोग मिलता रहा है उनको भी हम सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने एसजी बैंक लिंकेज में 2019-20 और 20-21 में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। साथ में हमारे एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जिन्होंने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत बहुत अच्छा कार्य किया है उन्हें भी हम आज सम्मानित करेंगे।
तो आज के इस समारोह में मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहती हूँ आज के मुख्य अतिथि माननीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी का। इनके निर्देशन में मिशन के तहत बहुत से ऐसे कदम लिए जा रहे हैं जिनसे महिलाओं का और भी उत्थान होगा और भी उनकी बढ़ोतरी होगी। मैं स्वागत करना चाहती हूँ माननीय राज्य मंत्री ग्रामीण विकास साध्वी निरंजन ज्योति जी का, जो कच्छ गुजरात से हमारे साथ जुड़ी हैं। साथ में मैं स्वागत करती हूँ ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी का, जो मंडला मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। मैं स्वागत करती हूँ हमारे सचिव श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा जी का, जिनका निर्देशन हमें सतत मिलता रहता है। मैं स्वागत करती हूँ सचिव पंचायती राज श्री सुनील कुमार जी का और सचिव भूमि संसाधन विभाग श्री अजय टिर्की जी का, जो भी हमारे साथ वीसी के माध्यम से जुड़े हैं। मैं स्वागत करती हूँ डायस पर बैठे हमारे मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का, और जो सभागार में हमारे सहयोगीगण बैठे हैं मंत्रालय के, उनका भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे SRLM से जो स्टेट मिशन डायरेक्टर्स आए हैं और जो सहयोगी आए हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं बैंक से जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी आए हैं, उनका भी बहुत 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 स्वागत करती हूँ। आप सबके आज के हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने से इस कार्यक्रम की गरिमा बहुत बढ़ गई है। और मैं विशेष रूप से स्वागत करना चाहती हूँ हमारी महिलाएं जो आई हैं, जो SHG की सदस्याएं आई हैं भारत के विभिन्न राज्यों से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सही मायने में देखा जाए तो आज के कार्यक्रम की मुख्य नायिकाएं आप ही हैं। और दीनदयाल कौशल योजना के से भी हमारे कुछ ट्रेनीज आए हैं, जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ। और अंततः मैं स्वागत करना चाहती हूँ जो मीडिया से हमारे सहयोगी आए हैं, और मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि हमारे इस कार्यक्रम का अच्छे से प्रचार और प्रसार वो अवश्य करें। एक बार फिर आप सबका आज बहुत बहुत स्वागत। हार्दिक धन्यवाद। और अब आमंत्रित करना चाहेंगे हमारी SHG की महिला सदस्यों को कि वे यहाँ आएं और मंच पर विराजमान गणमान्य अतिथिगण का तुलसी का पौधा भेंट कर स्वागत और सम्मान करें। सबसे पहले हम स्वागत और सम्मान करना चाहेंगे हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्री गिरिराज सिंह जी का, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार। आपका हार्दिक स्वागत है और हार्दिक धन्यवाद करते हैं कि आपने यहाँ उपस्थित होकर सभी बहनों का, सभी महिलाओं का प्रोत्साहन बढ़ाया, उत्साह बढ़ाया। और अब स्वागत और सम्मानित करेंगे श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा जी का, सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय। और अब स्वागत और सम्मानित करेंगे श्री प्रवीण कुमार मेहता, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार का। स्वागत और सम्मान करेंगे श्री चरणजीत सिंह जी का, संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय। और अब स्वागत और सम्मान करेंगे श्री अमित कटारिया जी, संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय का। और अब स्वागत और सम्मानित करना चाहेंगे श्रीमती नीता केजरीवाल जी का, संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय। हमारी भारतीय परंपरा में हम हर शुभ कार्य की शुरुआत
दीप प्रज्वलन कर देवी देवताओं के आह्वान के साथ करते हैं। और अब निवेदन है मंच पर विराजमान माननीय मंत्री एवं गणमान्य अधिकारीगण से कि वे दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम करें। और एक बार जोरदार तालियां आज के इस बहुत ही शुभ कार्यक्रम के उद्घाटन पर माननीय मंत्री के कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ। माननीय मंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों का उत्सव मनाने का दिन है। इसकी शुरुआत अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर से महिलाओं ने अपने हक के लिए की थी। इस साल इस दिवस की अंतर्राष्ट्रीय थीम है वुमेन ऑफ टुमारो, यानी आने वाले कल की महिला, और यह महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित है। और अब निवेदन है श्री नगेंद्रनाथ सिन्हा जी से, सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय से, कि वे इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर अपने विचार साझा करें। और तालियों के साथ स्वागत करते हैं श्री सिन्हा जी। माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज श्रीमान गिरिराज सिंह जी, माननीय राज्य मंत्री ग्रामीण विकास, कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन साध्वी निरंजन ज्योति जी, माननीय मंत्री राज्य मंत्री ग्रामीण विकास एवं स्टील मंत्रालय श्रीमान फग्गन सिंह खुलस्ते जी, मंचासीन हमारे सहयोगी श्री प्रवीण महतो जी, श्री चरणजीत सिंह जी, श्री अमित कटारिया जी, श्रीमती नीता केजरीवाल जी, इस सभागार में उपस्थित हमारे मंत्रालय के सहयोगी श्री रोहित कुमार जी, विश्वजीत बैनर्जी जी, राज्यों के SRLM से आए उनके MD, CSMD इत्यादि, इसमें कृष्णा जी यहाँ पे अभी दिखी, और विभिन्न राज्यों से भी लोग जुड़े हुए हैं, उन सभी का को अभिनंदन। बैंकों CLF लखपति दीदी बंधुओं, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। और जैसा कि उद्घोषिका महोदया ने बताया कि आने वाले समय के लिए की जो नारी है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम है, हमने भी उसी तर्ज पर नए भारत की नारी इस महिला दिवस का थीम बनाया। भारत में बहनों की भूमिका क्या होगी और कैसे हम उस भूमिका को प्राप्त करने की दिशा में काम करें कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त करें, ये हम सब लोगों का इस कार्यक्रम के माध्यम से उद्देश्य है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि भारत में 10 में से 7 आदमी गांव में रहते हैं, तो अगर ये बात है तो हमारी 10 में से 7 बहनें भी गांव में रहती हैं, इस पूरे देश की बहनों की आबादी का। और जब तक हमारे बहनें ग्रामीण परिवेश से जो उठ के आ रही हैं वो आगे नहीं बढ़ेंगी तो ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। महिलाओं का सशक्तिकरण जिस तरह का और जिस हद तक का हम चाहते हैं वो प्राप्त नहीं होगा। ग्रामीण विकास
मंत्रालय और मैं कहूँ पूरा भारत सरकार, और मैं समझता हूँ कि सभी राज्य सरकार भी बहनों की भलाई के लिए ही नहीं बल्कि सशक्तिकरण और उनकी पूरी भागीदारी के लिए कृतबद्ध है। जो हमारे कार्यक्रम हैं उनमें बहनों को केंद्र पे रखा गया है और विभिन्न प्रकार के जो हमारे क्रियाकलाप हैं उनके माध्यम से आपकी क्षमताओं के विकास की कार्रवाई की जाती। पर जैसा कि लोग सभी पूर्व वक्ताओं ने कहा कि इसके पीछे जो सेल्फ हेल्प की भावना है वो हमारा कोर है। कुछ दिनों पहले वर्ल्ड बैंक के साथ एक वार्तालाप चल रहा था, उस वार्तालाप में ये बात हुई कि जो हमारे कार्यक्रम हैं उस कार्यक्रम में ऐसा नहीं है कि हमने कुछ दिया और आपने कुछ, ये है कि हम दोनों मिलके, बल्कि आप अपना भविष्य रच रही हैं और हम उसमें सहायक हैं। यही भावना हमारे सारे कार्यक्रमों और सारे इंटरवेंशंस में है और इसके माध्यम से हम बहनों को सशक्त करने के, उनके भविष्य के सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस जैसे कि क्लस्टर लेवल फेडरेशन, क्लस्टर समूह, गांव में क्षेत्र स्तर पर काम करने वाली कम्युनिटी रिसोर्स जो SHG बहनों से ही आती हैं, ये हमारे कार्यक्रमों की मुख्य यंत्र हैं, तंत्र हैं। बिना इनके हमारा कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता। आज के दिन अगर आप देखें तो करीब 75 लाख हम स्वयं सहायता समूह बना चुके, लगभग 8 करोड़ से भी ज़्यादा बहनों को हम इसमें शामिल कर चुके, 3.5 लाख से भी ज़्यादा कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन इसमें काम कर रहे हैं। तो वस्तुतः ये उनके माध्यम से ही हम जो सशक्तिकरण का लक्ष्य है उसको प्राप्त करने की के लिए काम कर रहे हैं। और जैसे कभी अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जनतंत्र लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा विकसित और क्रियान्वित तंत्र है, उसी प्रकार से ये जो मिशन है वो मिशन गरीब महिलाओं का, उनके द्वारा और उनके लिए ही क्रियान्वित किया जाने वाला मिशन है। और आप सब लोग की बिना भागीदारी के, बिना आपके केंद्र बिंदु में रहे हम इसको प्राप्त नहीं कर सकते। ये जो आज हम इतनी उपलब्धि देख रहे हैं पिछले 10 सालों के अंदर, ये एक, मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व में इस प्रकार का संगठन और इस हद इतनी दूर तक उपलब्धि प्राप्त करने वाला संगठन नहीं खड़ा हुआ है। ये आप सब लोगों ने जो पिछले 10 सालों में मेहनत की है उसी मेहनत का परिणाम है कि हम इस स्तर तक आए हैं। आज बैंकों के माध्यम से बहनों ने लगभग 4,70,000 करोड़ से भी ज़्यादा ऋण उगाहा है, और जिसमें जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट का स्तर है वो 2.5% है, जो बहुत ही उम्दा कोटि का स्तर है। वो इसलिए हुआ है क्योंकि बहनें, बैंक सभी मिलके काम कर रहे हैं। आज हमारी ज़रूरत है कि जो इस तरह का प्लेटफॉर्म बना है स्वयं सहायता समूहों का, ग्राम संगठनों का, क्लस्टर लेवल फेडरेशंस का, यह सब मिलके काम करें और बहनों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार सृजित करने की दिशा में आगे बढ़े, महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में प्रयास करें और पूरे ग्राम समाज को महिलाओं को बराबरी का अवसर कैसे मिल सके उस दिशा और उस लक्ष्य की प्राप्ति करें। हम इस दिशा में माननीय मंत्री जी की प्रेरणा से काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं।
मैं कुछ जो पहले हैं उनका हल्का फुल्का उल्लेख करना चाहता हूँ। एक तो जो हमारे ग्राम संगठन हैं, सभी अपने गांव स्तर पर विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान अर्थात ग्रामीण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम बना रही हैं, योजना बना रही हैं, और उन योजनाओं में हमारी बहनें क्या चाहती हैं, किस प्रकार का रोज़गार करना चाहती हैं, उनको किस प्रकार के एसेट की ज़रूरत है, किस प्रकार के प्रशिक्षण या कौशल की ज़रूरत है, किस प्रकार की सहयोग अथवा सहायता की ज़रूरत है, इन सभी चीज़ों की पहचान उसमें रहती है। और उनको साथ मिलाकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसके आधार पे पूरे गांव स्तर की ही नहीं बल्कि पूरे राज्य स्तर की और देश स्तर की आजीविकाओं का एक प्लान बनता है। हम इन के आधार पर ही 2.5 करोड़ अतिरिक्त रोजगार सृजन के लिए काम कर रहे हैं। और इसमें हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि कुछ इनकम हो जाए, बल्कि जितनी बहनें हैं सभी बहनें लखपति जरूर हों। तो ताकि आप एक सम्मान का जीवन जी सकें, या सम्मान का जीवन हम के जो की ओर जो आपका सफर है, रास्ता है, उस रास्ते में हम आपके भागीदार हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ रोजगार ही पर्याप्त नहीं है, रोजगार के साथ सम्मानजनक जीने का जीवन जीने का भी अवसर प्रदान करना बहुत जरूरी है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका कार्यक्रम और विभिन्न अन्य कार्यक्रम इस बात को पहचानते हैं कि बहनों के लिए जो जेंडर सिचुएशन है, जिसको लैंगिक स्थिति भी कह सकते हैं, उस स्थिति में अभी भी काफ़ी स्थिति बहनों के लिए कठिन है। कई जगहों पे निर्णयों में उतनी भागीदारी नहीं दी जाती, कई जगहों पे आपको हॉस्पिटल्स या स्कूल या इस प्रकार के जो रोज़गार के या शिक्षा के या स्वास्थ्य के इस प्रकार के अवसर में उतने उसमें पहुंच उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। कई जगह वायलेंस अथवा हिंसा का सामना करना पड़ता है। तो हमारा जो कार्यक्रम है इस दिशा में भी काफ़ी काम कर रहा है, और विभिन्न बहनें चूँकि वो क्षेत्रीय स्तर से ही आई हैं, वो उस बात से परिचित हैं कि इस दिशा में क्या काम किया जा रहा है। मैं इसमें एक जो पहल है उसका उल्लेख करना चाहूँगा, ये जेंडर जस्टिस सेंटर नाम की पहल है, और इसके माध्यम से जो उनकी राइट्स और इंटाइटलमेंट हक और उनका अधिकार सुनिश्चित कराया जाता है, और जो इस प्रकार की लैंगिक हिंसा के शिकार हैं उनको कानूनी सहायता, काउंसलिंग और पुनर्वास इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। पर हम लोग ये अपेक्षा करेंगे आप सभी के माध्यम से, SRLM के माध्यम से, कि इस प्रकार का जो इंटरवेंशन किया गया है वो इंटरवेंशन सभी जगह पे हो, ताकि सिर्फ कुछ जगहों पे जहाँ पर अभी इस तरह की कार्रवाई हुई है उतने ही तक नहीं, बल्कि सबको बराबर अवसर मिले, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से आवे, किसी भी आर्थिक वर्ग से आवे, किसी भी धर्म जाति इत्यादि से आवे, तो सबको बराबर और सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिले। कोविड के दौरान बहनों ने बहुत ही उम्दा काम किया है, और मैं इस कुछ मुद्दों का उल्लेख करना चाहता हूँ। आपने अपनी जो बचत थी उसके माध्यम से लोगों को सहायता के लिए राशि उपलब्ध कराई, जनधन खातों में जो राशि उपलब्ध थी उसके माध्यम से लोगों को आकस्मिक परिस्थितियों के लिए सहयोग किया, सूचनाएं उपलब्ध कराई जिससे कोविड का मुकाबला करने में, वैक्सीनेशन इत्यादि करने में आप आगे आ सकें, और जो गवर्नमेंट सेफ्टी नेट है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके लिए भी आपने काफ़ी बड़ी भूमिका अदा की, और इसके कारण ही आज हम कुछ हद तक सुरक्षित
परिस्थिति में हैं और जो कोविड की तृतीय लहर आई उससे ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। आज हम CLF कई CLF को पुरस्कृत भी करेंगे, सम्मानित करेंगे। ये CLF हमारी पूरी गतिविधि का एक सशक्त केंद्र बिंदु है। बिना CLF के हम ग्रामीण स्तरों पर सेल्फ सस्टेनिंग एक्टिविटीज़ की कल्पना नहीं कर सकते, न सिर्फ स्वयं सहायता समूहों को जोड़ने के लिए, उनके उन पर एक प्रकार का अनुशासन और प्रेरणा देने के लिए, बल्कि न सिर्फ आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए बल्कि रोज़गार उपलब्ध कराने के लिए में भी उनकी बड़ी प्रमुख भूमिका रहेगी। और आज का जो सम्मान दिया जा रहा है, आज जो पुरस्कार दिया जा रहा है, उस इस बात का एक प्रकार से एक्नॉलेजमेंट है कि CLF की इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में क्या भूमिका रहेगी। हमारे महात्मा गांधी नरेगा कार्यक्रम के अधीन CLF को भी अतिरिक्त भूमिका दी जा रही है, विभिन्न प्रकार के आजीविका मूलक कार्यों जैसे मोरिंगा एवं अन्य प्रकार की नर्सरी लगाना, सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करना, प्लांटेशंस करना, हॉर्टिकल्चर एक्टिविटीज़ करना, तो ये काफ़ी बड़ी भूमिका आपको दी जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस प्रकार की भूमिका को बहुत ही सक्षम रूप से निभा पाएंगे। मैं रांची के पास गेतल सूद नाम की एक जगह है जहाँ की CLF ने पहल किया है, तो लगभग 80% लोग को किसी न किसी प्रकार का रोज़गार से वो अवश्य जोड़ पाए। ये आपकी जो संभावना है उस बात को रेखांकित करता है। मैं इस अवसर पर जितनी CLF की बहनें आई हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक आए हैं, PIAs शाही एक्सपोर्ट्स हैं संभवतः वो आए हैं, आप सभी लोगों को आज जिनको पुरस्कृत और सम्मानित किया जा रहा है, जिनको आज अपनी संस्मरण साझा करने का अवसर मिलेगा, सबको मैं बधाई देना चाहता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो माननीय मंत्री जी और माननीय राज्य मंत्री गणों का जो आपको संदेश मिलेगा उसके माध्यम से आप उनको लेके जाएंगी और पूरे अगले साल न सिर्फ अपने क्लस्टर्स और विलेज ऑर्गेनाइजेशन SHG में इस बात को बांटेंगी बल्कि पूरे क्षेत्र में इस बात को साझा करेंगी और यहाँ से प्राप्त ऊर्जा के माध्यम से अपनी गतिविधियों को और ज़्यादा सशक्त और ज़्यादा मजबूत बनाएंगी। और मैं इस अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, भारत की नई नारी का पुनः सम्मान करते हुए आप सभी को बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपके दिशा निर्देश के लिए हार्दिक धन्यवाद। और देवियों सज्जनों, राष्ट्रीय आजीविका मिशन भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीबों के सतत विकास हेतु सामुदायिक संस्थानों की स्थापना करना तथा इसके माध्यम से ग्रामीण गरीबी समाप्त करने के लिए आजीविका के विविध स्रोतों को प्रोत्साहन देना है। और जैसा कि सचिव ग्रामीण विकास श्री सिन्हा जी ने अपने संदेश में बताया, SHG समूह अतिरिक्त आजीविका के अवसर पैदा कर रहे हैं और भविष्य के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ इस दिशा में काम कर रहे हैं। और अब प्रस्तुत है आपके समक्ष लाइवलीहुड प्लानिंग पर एक लघु फिल्म। आज का ग्रामीण भारत प्रगति और समृद्धि के नए आयाम गढ़ रहा है। इसे मुमकिन बनाया दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन ने। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के इस महत्वाकांक्षी मिशन में देश के ग्रामीण इलाकों में गरीबी और निराशा की जगह एक सुनहरे और आत्मनिर्भर भविष्य की राह दिखाई है। इस आजीविका मिशन की सबसे बड़ी ताकत है ये महिला स्वयं सहायता समूह यानी SHG। ऐसे लगभग 75 लाख समूह आज 8 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों की तस्वीर बदल रहे हैं। आज कृषि, लघु उद्योग, पशुपालन, हस्तकला जैसे क्षेत्रों में महिलाएं न केवल नेतृत्व कर रही हैं, बल्कि लखपति महिला बनकर आर्थिक समृद्धि के महत्वपूर्ण पड़ाव पर खड़ी हैं।
देश के विभिन्न राज्यों में इन लखपति महिलाओं ने आर्थिक सहायता देने वाली विभिन्न आजीविका योजनाओं को एक मजबूत बिजनेस मॉडल में बदला है। जैसे कि बिहार की मधुबनी की शिल्प ग्राम उत्पादक कंपनी अपने आप में एक मिसाल है। यहाँ 100 से ज्यादा महिला चित्रकार पारंपरिक मधुबनी चित्रकारी को दुनिया भर में फैला रही हैं। छोटे उद्योग से शुरू हुआ शिल्प ग्राम आज 5 करोड़ से भी ज्यादा की उत्पादक कंपनी बन चुका है। यहाँ विश्व भर से ऑर्डर आते हैं और बिचौलिया रहित बिक्री प्रणाली से ज्यादा मुनाफा मिल रहा है। ऐसे ही देश के दक्षिणी छोर केरल के गांव कुम्बलंगी का स्वयं सहायता समूह लीज एक्टिविटी ग्रुप सरकारी से लेकर निजी कंपनियों को मास्क, गाउन, कपड़े के बैग और यूनिफॉर्म सप्लाई करता है। 6 साल पहले शुरू हुए इस उद्यम ने कोरोना महामारी में 1 लाख से भी ज्यादा मास्क बनाए। പ്രതിബദ്ധതയനുസരിച്ച് സമയത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് ഇന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് പറ്റി। उत्तर पूर्वीय राज्य असम के उज्जल मोहल्ला सेल्फ हेल्प ग्रुप में हस्तकला और पारंपरिक सिलाई का सामान तैयार होता है। इसी तरह डालूघाट के मॉडर्न हाइसिंथ क्राफ्ट क्लस्टर में बेकार कही जाने वाली जलकुंभी से ये उत्पाद सरकारी नीतियों की मदद से अब ऑनलाइन बेचे जा रहे हैं। আমাৰ প্ৰডাক্ট জেমত দিয়া হৈছে, তো অলপ দিনৰ আগত ফ্লিপকাৰ্টতো দিয়া হৈছে। ফাৰ্ষ্ট অৰ্ডাৰ আমাৰ আহিছে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা কইন পাৰ্চ, তো আমি সেইটো কাইলৈ মানে ডেলিভাৰী দিব লাগিব। आजीविका मिशन के उत्पादक उद्यमों में 3.86 लाख सदस्य हैं। इससे लगभग 700 करोड़ से ज्यादा का व्यापार हो रहा है। इसी तरह बिहार के बक्सर की दीदी की रसोई से घर का साफ और स्वच्छ खाना जरूरत अनुसार विभिन्न स्थानों पर पहुंचाया जाता है। कोरोना महामारी के दौरान अस्पतालों और कोविड आइसोलेशन सेंटरों के मरीजों तक भोजन पहुंचाने में इस रसोई ने अहम भूमिका अदा की। जीविका में आने के बाद विश्वास हुआ कि हम कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं, मतलब आत्मनिर्भर हो गए। आधुनिक ग्रामीण उद्यम का एक अनूठा उदाहरण केरल का करेबिन कासा रिसोर्ट। 3 महिलाओं द्वारा शुरू किया गया रिसोर्ट आज पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। घरेलू परिवेश से निकलकर आज ये महिलाएं सुंदर आइलैंड नुमा रिसोर्ट चलाती हैं। महिला सहायता समूह की मदद हेतु बैंकों द्वारा प्रति सदस्य 1 लाख से अधिक सहायता राशि दी जाती है। देश के 40% विकास खंडों में 1.50 करोड़ से अधिक महिला किसानों को प्रशिक्षण और सहायता दी जा रही है। इनमें वो महिला किसान भी शामिल हैं जो प्रशिक्षण लेकर आधुनिक तकनीक से खेती कर रही हैं, जैसे कि झारखंड में कुछ आदिवासी महिलाएं एकीकृत कृषि प्रणाली अपनाकर स्वावलंबी बनी हैं और मुनाफा कमा रही हैं। एकीकृत खेती सीख चुकी कुछ महिलाएं अब अपने जैसी कुछ और महिलाओं को ट्रेनिंग दे रही हैं। कि आदिवासी महिलाओं में है कि पहले घर से निकलती नहीं थी, उन लोगों को कुछ पता नहीं होता था, लेकिन अब बैंक से जुड़ गई हैं, नया है से अपना कमाई का एक जरिया बना रही हैं। वही स्ट्रॉबेरी की खेती भी इस इलाके की पहचान बनी है। महिला किसान स्ट्रॉबेरी को स्थानीय बाजारों के अलावा बड़े शहरों में भी बेच रही हैं। इस बार थोड़ा अच्छा मुनाफा हुआ है और इसको चाहते हैं हम लोग कि अगले साल और ज्यादा विस्तार करें। आजीविका मिशन के बेमिसाल मार्केटिंग प्रयासों जैसे कि सरस गैलरी, आजीविका मेला से SHG का काम बड़े शहरों तक पहुँच रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में साल 2025 से 2026 तक 92,000 करोड़ की राशि निर्धारित की गई है। इसमें 2.5 करोड़ अतिरिक्त महिलाओं को आजीविका से जोड़ने और करीब 700 उत्पादक कंपनियां स्थापित करने जैसे लक्ष्य शामिल हैं। स्वतंत्रता के समृद्ध काल में आत्मविश्वास और जज्बे के साथ प्रगति रथ पर सवार लखपति महिलाएं ग्रामीण भारत के विकास की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच को नए आयाम दे रही हैं। स्वयं सहायता समूह और दीनदयाल अंत्योदय योजना आज ग्रामीण भारत में एक नई क्रांति ला रही है। हर प्रकार से आपके सखी समूहों का योगदान अतुलनीय रहा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम सलाम करते हैं उस नारी शक्ति को जो बदलाव की मशाल था में निकली है नए भारत के स्वर्णिम भविष्य का परचम लहराने। धन्यवाद। महिलाओं को उच्च आर्थिक व्यवस्था की ओर ले जाने पर अधिक ध्यान देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय ने महिलाओं को सक्षम बनाने की पहल शुरू की है, ताकि SHG ग्रामीण महिलाओं को प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख रुपए कमाने में सक्षम बनाया जा सके। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मंत्रालय ने अगले 2 वर्ष में 2.5 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को आजीविका सहायता की कल्पना की है। और हमने अभी फिल्म में देखा कि कैसे इन महिलाओं ने मंत्रालय के समर्थन से सालाना 1 लाख से अधिक की आय को प्राप्त किया
और इसी के साथ अब आमंत्रित करना चाहेंगे उन सभी कामयाब महिलाओं के कुछ उत्तराधिकारी को जो वे मंच पर आएंगे और आप सभी के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे। सबसे पहले आमंत्रित करते हैं ग्रुप एंटरप्राइज फार्म से शांति देवी रजवाड़े को। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए शांति देवी का। शांति देवी रजवाड़े एवं उनका परिवार पहले एक सामान्य महिला थी। प्रशिक्षण से उनके व्यक्तित्व में विकास हुआ और वह नेतृत्व उनके बीच का नेतृत्व उभर कर आया और वह समूह के सदस्य के साथ साथ उत्पाद ग्रुप की सदस्य भी बनी। विहान महिला किसान उत्पाद कंपनी लिमिटेड की चेयरमैन भी हैं और उन्होंने अपने नेतृत्व में लगभग 1700 महिलाओं को भी जोड़ा है। तो आइए स्वागत करते हैं शांति देवी रजवाड़े का और उनसे ही सुनते हैं उनके अनुभव कि कैसे उन्होंने। सभी को मेरा जय बिहान, मेरे मंत्रीगढ़ और सभी दीदी भाई बहन को मेरा जय बिहान। मेरा नाम शांति देवी रजवाड़े है, मेरे पति का नाम सोमार साय रजवाड़े है, मेरे गांव का नाम ग्राम कंठी पोस्ट करजी थाना देरमा तहसील देरमा जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरे समूह का नाम है ओम शांति महिला स्वयं सहायता समूह। मेरे ग्राम संगठन के नाम है जय माँ दुर्गा जी का ग्राम संगठन ग्राम कंठी। मेरे क्लस्टर का नाम है जय माँ दुर्गा जी का क्लस्टर शंकर जी। और मैं 2009 में समूह का गठन करी थी, वो मेरे सफलतापूर्वक नहीं रही। इसके बाद बिहान NRLM से जो बाहर की दीदी 2015-16 में CRP राउंड के माध्यम से पुनर्गठन ओम शांति महिला स्वयं सहायता समूह को मैं मजबूत बनाई। इसके बाद 2016-17 में फर्स्ट बैंक लिंकेज ली मैं 50,000 का और दूसरा 17-18 में ली 1,00,000 का, 18-19 में ली 3,00,000 का, 19-20 में ली अभी 5,00,000 का मेरा लोन चल रहा है। दूसरा तीसरा लोन को हम लोग आपस कर दिए और हम लोग को विभिन्न गतिविधियों में NRLM के थ्रू विभिन्न गतिविधियों में प्रशिक्षण दिया गया, जिसके मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, मशरूम और सिलाई इत्यादि के विषय में हम लोग को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान जैसे हम लोग प्रशिक्षण किए, इसके दौरान तुरंत हम लोग मछली पालन शुरू कर दिए, जिसमें ग्राम पंचायत 1 हेक्टर के तालाब बना हुआ है उसी को लीज में दिए, उसी में और अपने डबरी से 30x30 का एक डबरी है खनवाई अपने खेत में, उसका भी मछली पालन किए। मेरे वार्षिक आय 2.5 से 3 लाख का है। और बकरी पालन मैं 30 बकरी से शुरुआत करी थी, आज मेरे पास 30 बकरी है, 30 बकरी में 60 से 70 हज़ार का आमदनी है। और मेरे मुर्गी पालन है, मैं 20 मुर्गी से शुरुआत करी थी, आज मेरे पास 100 मुर्गी है, 100 मुर्गी में 20 से 22 हज़ार की आमदनी है। और जैसे कि मेरे 1 एकड़ का जमीन है, 1 से 1.5 एकड़ का, उसमें से हम लोग खेती बाड़ी और अपने अनाज उगाते हैं, अपने लिए भी है और कुछ सब्जी भी बेच लेते हैं, ऐसे है। और क्या बोलते हैं अपने फिर जैसे सिलाई 2019-20 में कोरोना काल आया, प्रशिक्षण तो मैं पहली ली थी, पर 2019-20 में कोरोना काल आया, उसमें हम लोग को मास्क बनाने का बताए कि अभी कोरोना है मास्क का जरूरत पड़ेगा, तो उसमें 1 महीना में 17,000 का मास्क बेची थी। और जैसे ऐसे करते करते हम लोग का एक उत्पादक ग्रुप बनाया गया, उत्पादक ग्रुप के माध्यम से बिहार महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड कंपनी का गठन किया गया, उसमें मैं आज चेयरमैन हूँ। उसमें 1700 महिला को जोड़ी हूँ, 1700 महिला के अंतर्गत 200 महिला बकरी पालन करते हैं और 200 महिला बकरी पालन करते हैं, 17 महिला अपने डबरी से मछली पालन करते हैं। ऐसे अच्छी गतिविधियाँ में हमारे कंपनी बटन मशरूम, जीरा फुल राइस और हल्दी धनिया मिर्ची इत्यादि पे काम करती है, ऐसे करके हमले आजी गतिविधियाँ में है। और जैसे कि मेरे आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति में बोलूँ तो मेरे समूह से नहीं जोड़ने से पहले हमारे बहुत गरीबी स्थिति था उस समय। जैसे कि मेरे पति और मेरे सास ससुर और मेरे 2 लड़के हैं, इतना परिवार थे। मेरे पति सब्जी बेचकर हम लोग को पेट पर्दा चलाते थे। जब धीरे धीरे हम लोग समूह में जोड़े, समूह में जोड़ने के बाद आज की स्थिति बताऊं तो हम लोग बहुत अच्छे हैं। मेरे ससुर का थोड़ा आँख से, दोनों आँख से कमज़ोर हैं, कमज़ोर नहीं देखते हैं। और मेरे माता जी, मेरे सासू माँ,
वो दिमागी हालत से कमजोर ही है। तो हम लोग का स्थिति पहले बहुत खराब थी, अब आज का स्थिति में हम बहुत अच्छे हैं। हम 4-6 रूम का अपने रहने के लिए छत भी बनाए हैं, और क्या बोलते हैं, अपने पास रीपर है, पावर टिलर है, ई रिक्शा 2018 में खरीदे हैं, और अपने धान कुटाई का मशीन है, अपने आटा पीसने का मशीन है, अपने लिए स्कूटी है, मेरे हस्बैंड के लिए बाइक भी खरीदे हैं। और जैसे मैं ऐसे प्रशिक्षक बहुत सारे चालक का भी ली थी, ई रिक्शा भी चला लेती हूँ, ट्रैक्टर भी चला लेती हूँ। और जैसे मैं अपने क्या बताऊँ, मैं अपने NRLM का टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, और आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में सभी दीदी को महिला दिवस के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं बधाई है। और इतना कहकर अपने बाड़ी को विराम देना चाहती हूँ, और मेरे NRLM का ग्राम संगठन, क्लस्टर, जनपद पंचायत, जिला पंचायत मेरे, और हमारे छत्तीसगढ़ मिशन चलाने वाली दीदी सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सर सभी को धन्यवाद देती हूँ। हमारे NRLM आज नहीं रहता तो मैं इस समूह में नहीं जुड़ती, तो आज मेरे दिल्ली में मेरा आगमन इतना स्वागत के साथ लाया गया है, और मैं आज स्टेज में बोलने की लायक बनी हूँ। मैं पहले इतना गरीब महिला थी, आज मेरे को स्टेज में बोलने के लिए मौका मिला, तो मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, इस संस्था को भी दे रही हूँ बहुत बहुत धन्यवाद, और सारे दीदी लोग को जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हार्दिक धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई, और आशा करते हैं आप इससे भी ज़्यादा तरक्की करें। और अब ग्रुप एंटरप्राइज नॉन फार्म से आमंत्रित करेंगे बिहार की श्रीमती नर्मदा देवी जी को। वह ग्राम समिति की सदस्य हैं, SHG में कोषाध्यक्ष हैं, शिल्पा ग्राम महिला निर्माता कंपनी लिमिटेड के निदेशक मंडल हैं, और उनकी सालाना आय लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं श्रीमती नर्मदा देवी जी का, कि वे मंच पर आएं और सभी के साथ अपने अनुभव साझा करें। आदरणीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मंत्रीगण, महोदय और कार्यकर्ता गण, महोदय और आए हुए सभी दीदियों का मेरे तरफ से मेरा प्रणाम। मेरा नाम नर्मदा देवी है, मेरा घर रांटी ब्लॉक है राजनगर, और मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिहार से हूँ। और मैं SHG ग्रुप, जया SHG ग्रुप की कोषाध्यक्ष हूँ, और महिला ग्राम संगठन मिलन ग्राम संगठन की मैं ऋण वापसी कमेटी की मेंबर हूँ। प्रयास CLF है मेरा, उसकी मैं मेंबर हूँ। एक ग्रुप है शिल्प संघ, उसकी मैं अध्यक्ष हूँ। और शिल्प ग्राम एक कंपनी है मेरा, उत्पादक कंपनी है, जो कि 4 डिस्ट्रिक्ट को मिला कर के वो मैं कंपनी खुला हुआ है, उसकी मैं चेयरमैन हूँ। और उसकी मैं चेयरमैन हूँ और क्या करती है वो बता दी। कंपनी 2018 में खुला और कंपनी 2018 में खुला और लेकिन 19 में आकर के रन में आ गया। धीरे धीरे उसमें हम लोग को काम किए, जो कि हर स्टेट से, 5 स्टेट से हमने उसमें महिलाओं को ला करके उसमें उसका एक कंपनी का रूप दिया गया, जो कि ज़्यादा दिन हुआ नहीं, 18 में हुआ है, 19 में रनिंग हुआ है, और 20, 21 और 22 है। इसमें सुजनी क्राफ्ट है, सुजनी है, सिक्की आर्ट है, लाह का है, और मधुबनी पेंटिंग तो है ही, और इसमें और जोड़े हुए हैं भागलपुर का जो लूम चलता है ना, हैंडलूम, वो करघा से जो बीना जाता है कपड़ा, उसको भी जोड़े हुए हैं।
और नालंदा से भी जोड़े हुए हैं, उसमें 52 बूटी का काम होता है, और अदर और कुछ कुछ है ऐसा आइटम जो उसमें हम डेवलप करते हैं ला करके, और मार्केटिंग के लिए हमारी कंपनी बहुत ज़ोर से काम कर रही है। ये जो आजीविका के तरफ से जो हम लोगों का इतना उत्साह मिला, तो महिला जो गांव में रहती थी पत्ता उत्ता चुनती थी, वो अभी ये प्लेटफॉर्म पर आकर के वहाँ बात करती है, कहीं भी जा कर के बात कर लेती है। उस महिला को घर से बाहर निकालने में हमको थोड़ा कठिनाई हुई थी, आने के लिए भी नहीं चाहती थी, जो हम कैसे जाएंगे, क्या होगा, कैसे होगा, चलिए दीदी आप लोग कुछ नहीं होगा, आप 10 पैसा कमाइएगा और अपना जीवन यापन करिएगा। कुछ तो पहले डर होता था उन लोगों को, कैसे बाहर जाएं, कैसे बाहर जाएं, हम लोग बहुत ज़्यादा कन्विंस करके उन लोगों को आगे किए। अब ये ऐसी स्थिति आ गई है जो उन लोगों को होता है जो संडे हो भी नहीं, संडे भी ना आए, लेकिन इतना ऑर्डर हम लोग को कंपनी में आता है तो हर क्षेत्र में हम लोग देते हैं बुला करके, और ये सहयोग हम लोगों को मंत्रालय से ही जाता है। हम इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो आज हम लोग भी यहाँ पर आ करके अपना वक्तव्य रखते, नहीं तो हम लोग कहाँ से यहाँ पहुँच पाते। पहले हम करते थे काम, 80 से ही मैं काम कर रही हूँ ये फील्ड में, अनुभव तो हमको बहुत है, लेकिन पहले जो था स्थिति और अब जो स्थिति देखते हैं महिला सब को, जो इतना सशक्त हो गई है, इतना सशक्त हो गई है कि जेंट्स सबको पीछे छोड़ना चाहती है। भाषा से हमको ये पता लग रहा है जो कि वो पीछे छोड़ रही हैं, बराबरी के दायरे में आ गई हैं हम लोग के दीदी लोग। इसलिए हम तो देखते देखते बहुत काम करते करते हमको ये नहीं होता है जो हम अपने ही कमाए, हम पूरा महिला के लिए ही काम करते हैं। ऐसा ही इसका नेटवर्क है आजीविका का, जो रात का रात हमको सोने नहीं देते हैं। रात का रात हमको ऐसा ही सूचना आ जाता है, दीदी कल सवेरे हमको ये चीज़ चाहिए, अब मेरा दिमाग दौड़ने लगता है, अब उधर कम फोन करते हैं, उस पीजी में फ़ोन करते हैं, उस पीजी में फ़ोन करते हैं, आपको ये सामान यहाँ से यहाँ कंपनी में ला करके देना है जो हमको कल देना है। तो सभी लोग तैयार हो जाती है, रात का रात नहीं बूझती है, रात में भी काम करती है और इतना पैसा कमाती है, जिसके पास 10 रुपया नहीं था। खैर सर, हमारे पास में भी वही स्थिति था जो कि हम भी किसी से 10 रुपया मांगते थे कभी पैसा, लेकिन अब वो स्थिति नहीं है, और हम वही स्थिति सभी दीदियां का दुख समझ करके उन लोगों को हमने प्रोत्साहन देते आगे लाते गए हैं। और एक सही बात है, हम अच्छा काम करेंगे तो हमको अच्छा रिस्पेक्ट मिलेगा ही, सभी दीदी हमको चाची चाची करती, यो तो बच्चा रहे या बड़ा रहे, वो चाची ही नाम से हमको, हाँ इंटरनेशनल चाची हमको बना दी है, रिस्पेक्ट करती है, और हम भी उन लोगों को बिल्कुल बच्चे के तरह मानते हैं। एक नहीं, हमारे पीजी नहीं, शिल्प संघ का ही पीजी नहीं, हमारे जितने कंपनी का पीजी है सबको हमने मोबाइल से ही सबसे सबका समाचार लेते रहते हैं, कहाँ क्या होता है। मेरा सालाना इनकम है, ऐसे मौखिक तो याद नहीं उतना रहता है, है मेरे कंपनी का, मेरे पीजी का भी टर्नओवर 20 लाख के लमसम हो जाता है, और हर दीदी हमारे पीजी से कमाती है तो 10,000-15,000 करके मिल जाता है। एकदम ऑनेस्टी हमारे यहाँ काम होता है, एक भी कुछ बिकता है सारा दीदी को पता रहता है जो कि ये बिका है, और उसको हम इतना सशक्त कर दिए हैं, इतना सशक्त कर दिए हैं जो कहीं भी कुछ बोल सकती है, 10 लाइन बोल सकती है, और अपना हक के लिए उसको हम मजबूत कर दिए हैं, जो अपना कमाओ और खाओ, हमसे जो सहयोग मिलेगा हम करते रहेंगे। मेरी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई है,
लेकिन फिर भी इन बाल बच्चों के साथ में हमको भी लगता है कि कोई उम्र भी नहीं हुआ है। हम भी बहुत काम करते हैं, उन लोगों के हैंडल करते करते हम खुद अपना काम करते हैं, वही मेरा इनकम है। हाँ, काम कर लेते हैं उनके साथ। और मेरे कंपनी का बहुत अभी हम लोगों का ये है जो अभी डिजिटल में भी हम लोग काम करते हैं, नेट अथी से ऑनलाइन से भी काम कर रहे हैं। अभी यहाँ पटना में मेरा एक ऑनलाइन है, उससे ज़्यादा सेल होता है। और अभी और कुछ सोच रहे हैं जब हम लोग इससे आगे ज़्यादा काम करेंगे, जो कि बहुत दीदी और उसमें जुड़ सकती है। अभी तो 500 महिला उसमें जुड़ी हुई है, 500 महिला का हमारे पास रिकॉर्ड है। 500 महिला से हम डायरेक्ट बात कर लेते हैं, ऐसा नेटवर्क है, आप लोगों की देन है, जो कि ऐसा नेटवर्क हम लोग को दे दिए हैं जो हम लोग कमा के आनंद से रहते हैं। सभी दी मस्त रहती है, किसी से किसी को कोई नहीं होता है, मतलब इस तरह से हम लोग बराबर काम करते हैं, दीदी लोग को मैनेज करके रखते हैं। और हमारे कंपनी का अभी टर्नओवर है वित्तीय वर्ष 4,21,000 है, और लाभ हुआ है 3,30,000, 3,30,000, 3,30,000। और 20,500 है आमदनी। ये जो प्रॉफिट होता है हर काम, हर जो काम होता है हमको इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा लग जाता है, देते हैं हम लोग इनकम टैक्स, चेक काटते हैं तो देते हैं, देखते हैं जो कितना लगता है। तो इनकम टैक्स 17,000-20,000 के लमसम हमको लगता है कंपनी से, उसको उसके बाद हम लोग को 20,500 लाभ होता है। ये आमदनी हुआ कलाकार का, जो वर्कर है उनका आमदनी हुआ। अब 2021 में 3,18,00,000 है आमदनी ओवर, और लाभ हुआ, हाँ हाँ लाभ हुआ है 6,78,000, 51,73,000 रुपया लाभ हुआ कलाकार को। 21-22 का है 3,26,00,000, 10,00,000 लाभ हुआ है 55,000 प्रति मेंबर को। मैं इसी के साथ सभी को धन्यवाद आशीर्वाद सब सहित देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि अभी हमें दीदी ने बताया कि ग्रामीण महिलाएं आदमियों के बराबर पहुंच गई हैं, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं ग्रामीण महिलाओं का आदमियों के बराबरी करना एक बहुत ही बड़ी बात है, तो इसी बात पे एक बार सभी के लिए ज़ोरदार तालियां। और अब आगे बुलाना चाहेंगे इंडिविजुअल एंटरप्राइज नॉन फार्म झारखंड से शोभा देवी जी को। ये खाद व्यवसाय में उद्यमी हैं, 6-7 सदस्यों को रोजगार देती हैं और इनका वार्षिक टर्नओवर लगभग 20,00,000 रुपए है। तो तालियों के साथ स्वागत करते हैं शोभा देवी जी। सबको जोहार, जोहार से। मेरा नाम शोभा देवी है और हम नामकुम ब्लॉक रांची झारखंड से हैं। मेरा काम अचार का है, अचार मधु जामुन सिरका जामुन बीज पाउडर, इधर जैसे आटा रागी का आटा हो गया, मल्टीग्रेन आटा हो गया, फिर कुर्थी का दाल हो गया, वो सब चीज़ बनाते हैं। माइक पर चले जाइए लोगों, माइक माइक नजदीक। इसमें मेरा व्यापार अचार का व्यापार है। अचार में मेरा टर्नओवर 20,00,000 तक का है सालाना का, और मेरा सालाना का इसमें मेरा इनकम हो जाता है 5,00,000 रुपया हर साल का, और महीना का 40,000 रुपया की एवरेज आ जाता है। इसमें शादी से पहले मेरा जैसे हो गया, शादी से पहले मेरा उतना भी स्थिति अच्छा नहीं था, और शादी से उतना भी अच्छा नहीं था, लेकिन मेरी भाभी बोली कि तुम अचार का काम करो,
तो थोड़ा सा अच्छा काम हो भी होगा कह के, और हम अचार का काम करने लगे 2008 में। उस टाइम बाज़ार में हम अचार बेचते थे, बाज़ार में उतना मुनाफा भी नहीं होता था। 2008 से 2011 तक हम ऐसे ही चलता रहा, थोड़ा बहुत जैसे अचार में बेचते थे बाज़ार में, थोड़ा सा पैसा आ जाता था और उसी में हम लोग का चलता था। और उसके बाद में फिर 2011 में मेरा JSLPS की तरफ से काम हुआ, JSLPS की तरफ से SSG ग्रुप में हम जुट गए। उसके बाद में फिर हमको लोन मिल गया, लोन में थोड़ा सा मेरा पूंजी बढ़ गया था, उसमें पैसा आ गया था। और उसमें मेरा जैसे रॉ मटेरियल स्टॉक करने के लिए सामान या कुछ मशीन वगैरह वैसे खरीदने के लिए हो गया था मशीन। उसके बाद में फिर हम जैसे अपना मेला करने लगे, अपना डिस्ट्रिक्ट में किए, फिर अदर डिस्ट्रिक्ट में गए, फिर झारखंड सरकार की तरफ से हमको अदर स्टेट भी भेजा गया मेला करने के लिए, उसमें मेरा अच्छा मुनाफा भी हुआ। उसके बाद 2020 में मेरा प्लास, झारखंड सरकार ने प्लास का लॉन्च किया। पहले कस्टमर लोग बोलता था का नाम से सामान बेच रही है, तो हम लोग कुछ जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो जैसे प्लास का ओपनिंग हो गया तो एक नाम मिल गया, एक महिला को, हम लोग को जैसे एक नाम मिल जाता है तो बहुत बड़ा चीज़ होता है कि ग्रामीण महिला को कोई नहीं जानता है और अभी एक नाम मिल गया। हम एक गरीब महिला थे और मेरा हस्बैंड का सप्ताह में काम था, 700 रुपया के कमाते थे और उसमें मेरा कुछ नहीं चलता था। मेरा हस्बैंड जो कमाते थे उसमें कुछ नहीं चलता था। और अभी मेरा हस्बैंड को जैसे 700 रुपया में फिर हम लोग का कुछ नहीं होता था और अच्छा से घर भी नहीं चलता था। और अभी जिस जो पैसा भी अचार का पैसा में कमाते हैं, सबसे पहले तो बच्चा को पढ़ाते हैं इंग्लिश मीडियम में, हम पढ़े भी नहीं हैं और उसके बाद अपना पक्का का बगान अथी मकान बना लिए हैं, 4 रूम का बना लिए हैं और अपना हस्बैंड को एक कार खरीद के दिए हैं। अपना हस्बैंड को एक कार खरीद के दिए हैं। इसके बाद फिर अभी हम लोग नेशनल में काम करते हैं, हम लोग का सोच है कि इंटरनेशनल में जाएं और करोड़ों रुपया तक चले। धन्यवाद। और सभी आशा करते हैं कि आप बहुत ही तरक्की करें। और इससे पहले कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, हम स्वागत करना चाहेंगे मंच पर विराजमान श्री इंदिवर पांडे जी का, सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। हार्दिक धन्यवाद और आपका स्वागत है। और अब अपने अनुभव सभी से साझा करने के लिए आमंत्रित करेंगे एक महिला किसान को, भोली देवी जी। भोली देवी राजस्थान से हैं और इनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए के लगभग है। ये खेती के साथ साथ पशुपालन भी करती हैं। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारी महिला किसान भोली देवी। आप सभी दीदियों को आज महिला दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम भोली देवी है और मैं राजस्थान राजसमंद जिले से हूँ। 2014 से पहले हमारे गांव में समूह नहीं थे, तो हमें हर चीज़ के लिए मेरे घर परिवार और मेरे हस्बैंड पर निर्भर रहना पड़ता था। जब हमें घर में चाहे 100-200 रुपए की ज़रूरत हो तो भी हमें पति से मांग के लेना पड़ता था। जब 2014 में आंध्र प्रदेश से जो दीदियाँ आई थी, उन्होंने हमें महिला सशक्तिकरण और समूह के बारे में समझाया, तो हम लोग हमारे गांव के महिलाएं सारी समूह में जुड़कर हमने छोटी छोटी बचत करना शुरू की थी। और फिर एक साल के बाद में हमने 1 लाख रुपए का लोन लिया, तो हमने ज़रूरत के हिसाब से उस लोन में से मैंने 50,000 रुपये लोन के लिए, और मैंने सिरोही नस्ल की 5 बकरियाँ खरीदी थी। और वो बकरियाँ खरीद कर मेरी धीरे धीरे मैंने किस्तों में वो लोन भी पूरा कर दिया। आज मेरे पास में कम से कम 30 से 40 बकरियाँ हैं और हमारे घर पे मेरे जो सासू जी है वो बकरी भी चराते हैं। और मेरा है जो खेती में, और खेती तो हम शुरू से करते थे पर खेती का हमें तरीका नहीं पता था, तो हमारे CLF में कृषि तकनीक विशेषज्ञ लगाए गए थे। हम जो भी प्रोड्यूसर ग्रुप बनाए तो हमें ट्रेनिंग दी और हमें विविध प्रकार की जो कृषि के लिए ट्रेनिंगें मिली थी उसमें हमें उन्नत कृषि करना सीखा और जैविक कृषि करना सीखा। पहले हम यूरिया, DAP
ऐसे इस्तेमाल करते थे, तो अब हमने खेत में ही अपना जैविक खाद बनाना शुरू कर दिया और वही हम खेत में इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हमें जो भी फसल हम लोग ले रहे हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी हो और ये जो भी बीमारी मुक्त जो सब्जी आ रही वो हम नहीं, मेरे पास में एक बीघा हम जमीन है उसको मैंने अलग अलग भाग में बांट दिया, एक थोड़ा हम बैंगन करते हैं, ज़्यादा मिर्ची और गोभी गोभी करते हैं। पिछले साल हमारे जो 10 किलो जो गेहूं हम बोते थे उसमें मैंने 1.5 लाख रुपए के बैंगन लिए थे और इस बार भी हमारा प्लान है कि हम है जो अच्छा लहसुन और गेहूं इसमें भी हम ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम इस बार में मेरे खेत की गेहूं का अनुमान बताया है कि भाई हमें मेरे ससुर जी है वो ज़्यादा ऐसे बुजुर्ग है तो हमने 40 किलो बोया था तो बोल रहे बेटा 20 बोरी तो तेरे खेत में हो जाएगा। तो हमारे गांव में 2019 बने थे कृषि उत्पादक समूह, तो 80 महिलाओं का हमने सर्वे किया था हमारे गाँव में कि हम महिला कृषक जो अपना ये पीजी बन रहा है इसमें हम ऐसे महिलाओं को चुने जिनके पास में अच्छी खेती हो और तभी हमारा प्रोड्यूसर ग्रुप का उत्पादन भी बढ़ेगा और हम सभी महिलाओं को मेरे साथ साथ में जितनी भी मेरी 80 महिलाएं जुड़ी है उनको भी फायदा हो। तो अब पिछले साल में जब हमने उत्पादक समूह में एक महीने का 80 से 90 हज़ार रुपये का हमने फायदा कमाया और इस बार की भी हमारी प्लानिंग है कि हम 1 लाख के ऊपर जाए कि एक हमारी 80 महिलाओं को अच्छी इनकम हो और उसके बाद में जो हम छोटे छोटे पहले हम खेती करते थे तो हमारी मंडी दूर होने के कारण हम सारे किसान जाते थे मंडी में, तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि भाई क्योंकि उसका लोडिंग टेम्पो का ज़्यादा डाउन पेमेंट बढ़ रहा था तो एक साथ में 2 लाख रुपए कोई, अब मैं भी छोटी हूँ उम्र में कम है और ससुर जी को भी 2 लाख रुपए एकदम से कौन देंगे, तो हमने समूह से ऋण लेके 2 लाख रुपए का डाउन पेमेंट जमा करके हमने लोडिंग टेम्पो लिया जिसे हम सभी महिलाओं की सब्जी जो हम मंडी तक ले जा सके और आज मेरे पास में वो 6 लाख का टेम्पो भी फ्री हो गया है और वो टेम्पो भी हर महीने 15 से 20 हज़ार की इनकम हजारा टेम्पो भी दे रहा है और मैं खुद है जो पहले फील्ड में काम करती थी सीसी के पद में हमारे क्लस्टर में, फिर मैंने धीरे धीरे पढ़ाई भी शुरू कर रखी थी, पहले 12वीं थी फिर मैंने बीए किया तो उसमें हमारे क्लस्टर मैनेजर की विज्ञप्ति निकली थी हमारे, तो मैं क्लस्टर मैनेजर की विज्ञप्ति निकली तो फॉर्म भरा और आज मैं 3 साल से क्लस्टर मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ और मेरे पास में कम से कम 3,000 परिवार जुड़े हुए हैं समूह और 300 समूह हैं उसमें मैं हर एक महिलाओं को मेरी तरह ही आत्मनिर्भर स्वावलंबी और जागरूक बनाना चाहती हूँ कि हर महिला मेरे क्लस्टर की सभी सक्षम हो हर कार्य में और हर गतिविधि से वो महिला जुड़े और अपना नाम रोशन करे और सम्मान पाए। और मेरे खुद में भी बदलाव आया इतना कि पहले मैं घर से खुद भी बाहर नहीं निकलती थी, अब घर का काम करो और खेत पे जाओ और पशुपालन जो भी हमारा काम था वही हम करते थे, पर जब समूह से जुड़ने के बाद में आज मैं जहाँ पे भी जाना हो जाके मैं खुद काम कर रही हूँ और अब घर वाले भी भेजते हैं, पहले नहीं भेजते थे कि महिला की कमाई से घर नहीं चलने वाला ऐसा है, पर अब खुद की घर की आमदनी और आर्थिक स्थिति में जब सुधार आया तो अब सबको लगता है कि हाँ अब जो कर रही है वो काम सही है और अब सभी है जो भी घर के काम काज जो भी होते हैं हम दोनों जन मिलके हमारा घर का जो भी कार्य होता है तो दोनों जनों का सहयोग होता है। आज हम 1 साल के अंदर हमारी 2.5 से 3 लाख रुपए ये तो हमारी खेती की आमदनी है, मैं खुद कमाती हूँ, मैं CSE में DGPA का काम करती हूँ तो शाम को जब मैं ऑफिस से आके शाम को 8 बजे तक मेरे कस्टमर आते पैसे निकालती हूँ, अंगूठा वाली मशीन दे रखी है CSE की तरफ से मुझे, तो जो दीदियाँ बाहर जाती थी दूसरे बैंकों में उनको आना जाना लगा रहता था वो सारी मेरे घर पे आती है और उनको बैंक जाने की दिक्कत भी नहीं है और ये सारी सुविधाएँ हमारे क्लस्टर लेवल फेडरेशन बनाया और तो उनसे हमें ये सारी सुविधाएँ मिल रही है और जो भी पहले हमें पता भी नहीं रहता था कि सरकारी योजनाएँ क्या है, अब हम समूह में से जुड़े हैं तो हर एक सरकारी योजना अभी हमारे पास में पहुंच रही है और हम उनका लाभ भी उठा रहे हैं और सभी को धन्यवाद। धन्यवाद देवियों सज्जनों, हमारे माननीय अतिथि माननीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी कच्छ से हमारे साथ ऑनलाइन वर्चुअल मोड पर जुड़े हैं, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि आप नारी सशक्तिकरण पर अपने विचार उपस्थित सभा के साथ साझा करें। आवाज नहीं आ रही है,
जरा बोलें कि आवाज़ नहीं आ रहा। आवाज़ नहीं आ रही है मैम आपकी, हम आपको सुन नहीं पा रहे और अपने मंत्रालय के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय गिरिराज जी, हमारे सेक्रेटरी साहब श्री नागेंद्र नाथ जी, मेरे सहयोगी आदरणीय उलत्ते जी और मेरे विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े हुए बेटी महोदय, मंत्रालय के सभी अधिकारीगण, श्रीवाल जी और पूरे देश से जुड़े हुई मेरी दीदियां, आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में जहां पूरा विश्व मना रहा है, आज मैं उसी कार्यक्रम के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार में कक्ष में हूँ, जहां बहुत बड़ी महिलाओं का एक समूह जिसमें गृहिणी भी हैं, काम करने वाली भी हैं, व्यवसायिक भी हैं और समूह की भी बहनें हैं, उसमें साधुएं भी हैं, मैं उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आई हूँ। अभी एक बात आई कि महिला किसी की बराबरी, मैं इतना महिला बराबरी नहीं, हमारे यहाँ नारी का सम्मान हमेशा रहा है और यदि जब कभी हम पुरुष की बराबरी करने लगे तो मुझे लग रहा है कि तो की बराबरी हमें पहले से मिली हुई है। भगवान शंकर को यदि कोई अर्धनारी कहेगा तो बिना पार्वती के अर्धनारी सुर नहीं हो सकते, पत्नी के पति नहीं हो सकता, बिना माँ के बेटा नहीं हो सकता, बिना बहन का भाई नहीं हो सकता। इसलिए हमारे देश में यत्र नारियस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता या अवधारणा रखने वाला देश, जहाँ नारी का सिर्फ एक दिन नहीं होता, नारी का हमेशा दिन होता है। हम एक बहन को कन्या के रूप में, बेटी के रूप में, माँ के रूप में, दादी के रूप में उसका वंदन करते, अभिनंदन करते हैं। आज मैं समूह की बहनों के साथ मंच साझा करने के लिए दूर से हूँ लेकिन नजदीक हूँ। मैं सेना साहब का आभार व्यक्त करना चाहूंगी, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पावन अवसर पर हमारी दीदियों से कुछ संवाद सुनने का, उन करने का अवसर मिला। मैं राजस्थान प्रखंड की, छत्तीसगढ़ की बहनों के विचारों को सुनने के बाद मैं ये कह सकती हूँ, जिस ग्रामीण भारत को लोग कहते थे कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं पराधीन होती है, पराश्रित होती हैं, आज वो बहनें समूह से जुड़े स्वयं सशक्त हो रही हैं। अभी मैं सुन रही थी कि बहन कह रही थी कि मैंने बच्चों को पढ़ाया, अपने पति को काम से खरीद दिया, काम कब संभव हुआ, जब आपके अंदर काम करने की क्षमता आई। मैं एक उदाहरण दिया करती हूँ, कई बहुत लोग काम करने की इच्छा तो रखते हैं लेकिन उस पर मन लगा के नहीं करते, हमने समूह से पैसा भी ले लिया और उसमें विवेक लगा के काम नहीं किया तो कहीं ना कहीं घाटा भी हो सकता है। एक शिष्य के दो शिष्य, एक गुरु के दो शिष्य थे, तो गुरु ने कहा कि बेटा मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। अब हुआ क्या कि गुरु ने दोनों को दो दो चने के दाने दिए। अब ये कहते गुरुजी चले गए कि जब मैं आऊं तब मुझे मिलना चाहिए। एक शिष्य ने रुई लपेट करके डब्बी में बंद करके बक्से के अंदर रख दिया और एक शिष्य ने सोचा कि ये दो दाने में कैसे बचाऊंगा, उसने गमले में बोया, एक दो पेड़ हुए उससे निकले, फिर उसने क्यारी में बोया, जैसा कि अभी सुन रहे थे कि 25-35 किलो गेहूं बोया, 10-20 बोरी होने वाला है। अब वो शिष्य खेत में बोया, खेत से भर गए, गोदाम भर गए। जब गुरु जी आए बोले भाई मैं कुछ अमानत दे गया था वो अमानत वापिस लेंगे, बंद करके रखा था गुरु जी, मैं लाता हूँ अभी, आया दिया तो वो चने भी बचे। दूसरे शिष्य मेरी अमानत
उस शिष्य ने कहा, बेटा गुरु जी आपको चलना पड़ेगा, मैं आपके मानस यहाँ नहीं ला सकता। प्रण भी लेके खड़ा कर दिया। गुरु ने कहा ये क्या है बेटा? बोले गुरुदेव वो जो आपके चने थे ना, ये वही अमानत है, आज ये गोडाउन भरा हुआ है। हमारा आपका सहयोग करता है, उस सहयोग राशि को हम कैसे दूना कर सकते हैं, कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है। आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में पूरा विश्व मना रहा है। मैं इतना कहना चाहूंगी, यदि मैं आजादी से लेकर के अभी तक का कार्यकाल देखूं, जिस मंत्री परिषद में मैं हूं उस मंत्री परिषद में 11 महिलाएं काम कर रही हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अवसर दिया। ये महिला सशक्तिकरण का ये भी एक तथा प्रतीक है। और मैं कहूं इतनी मोदी जी के नेतृत्व में देश की बागडोर संभालने वाली रक्षा मंत्री भी हमारी महिला हुई, विदेश मंत्री भी हमारी महिला ही थी। आज वित्त का जो कोष है वह कोष भी एक महिला के ही हाथ में, निर्मला सीतारमण जी के। तो नारी ये है कि हम हमारे पास जो हुनर है उस हुनर को हम कैसे समाज के सामने प्रकटीकरण कर सकते हैं और उसको कैसे बढ़ा सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारी समूह की बहनें बहुत तेज गति से काम कर रही हैं। इस देश के अंदर जहां 8 करोड़ महिलाएं जुड़ के काम कर रही हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत यही है। जब गांव की महिला आत्मनिर्भर होने लगे, गांव की महिला अपने आप चलने लगे, तो समझ लेना कि देश आत्मनिर्भर की ओर बढ़ चुका है। और आज हमारी दीदियां जो बोलना नहीं जानती थी, काम नहीं करना जानती थी, व्यवहार नहीं करना जानती थी, आज दिल्ली में आकर के मंच साझा कर रही है, ये भी एक आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। तो मैं तो आज इतने कहूंगी कि मेरे देश में कोई भी क्षेत्र महिलाओं से खाली नहीं। मेरी दीदियां जो सुन रही हो, मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूँ कि अपने को कभी एक की दृष्टि से मत सोचना। विश्व को जरूरत पड़ी है, देश की आजादी के लिए जरूरत पड़ी, तो वही देश की नारी के रूप में महारानी लक्ष्मीबाई है, वही देवी है। जब पुत्र को भी बलिदान करना पड़ा तो भगत सिंह को निसंकोच देश के लिए दे दिया, शिवाजी को दे दिया जीजाबाई ने। कोई ऐसा क्षेत्र खाली नहीं है। तो हम लोग अपने को पुरुष की बराबरी नहीं, पुरुष की सहभागी बन के काम करें, क्योंकि बराबरी में फिर होर लगती है, फिर विद्वेष होता है। और जहां हम एक दूसरे के पूरक बन के काम करेंगे तो विद्वेष भी नहीं होगा। मैं तो हमेशा कहा करती हूँ कि जब भी चलती है दो पहियों के बल पर चलती है, दो जोड़े बैलों के बल पर चलती है। यदि गाड़ी का पहिया एक भी खराब है तो गाड़ी नहीं चल सकती है। ऐसे ही अपनी गृहस्थी रूपी गाड़ी को चलाने के लिए दो स्त्री और पुरुष का दोनों की सहभागी बहुत आवश्यक है। मैं तो इतने कहना चाहूंगी महिला अपनी दीदियों से, यदि तुम ठान लो कार्य वेतन के तोड़ सकती हो, ठान लो विश्व के इतिहास में 1 नवाध्याय भी तुम जोड़ सकती हो। अभी हमारी एक बहन कह रही थी अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय करना चाहती है, व्यक्ति ही तो करता है, कोई और आसमान से करने नहीं आता। हमारे हौसलों में बुलंद होनी चाहिए, हमारे हौसले बुलंद हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं, और यदि हमारा हौसला परास्त हो गया तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए मैं एक हमेशा कहा करती हूँ कि मैथिली शरण गुप्त जी ने कविता लिखी है, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर निज नाम करो, ये जन्म हुआ किस अर्थ या हो, समझो जिससे व्रत न हो, तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। मन हमारा निराश नहीं हो तो हम सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए नीति का श्लोक कारणम मंद मोक्षय, हमारा मन कमजोर हो गया तो बहुत अच्छा व्यवसाय भी है वो भी फेल हो जाएगा, और मन हमारा कमजोर नहीं है तो छोटे से व्यवसाय से भी हम उसी शिष्य की तरह दो चने से हम गोडाउन भर सकते हैं। आज के इस शुभ अवसर पर मैं महिलाओं के साथ साथ अपने भाइयों को भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देती हूँ, और अपने बड़े भाई गिरिराज जी को कि आज महिलाओं का जो हौसला बढ़ रहा है, महिलाओं का हौसला बुलंद है, तो मेरे भाई गिरिराज जी
और हमारे सेक्रेटरी साहब सेना साहब जी के कारण आज महिलाओं के हौसले बुलंद हैं। मैं इतना ही निवेदन करती हुई पुनः फिर शुभकामना देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय राज्य मंत्री के प्रेरणात्मक शब्दों के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद। और अब आगे बढ़ते हुए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत एक पहल है। यह मांग संचालित प्लेसमेंट लिंक्ड कौशल प्रशिक्षण पहल है जिसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए आय विविधता पैदा करना है। और अब आमंत्रित करते हैं मंच पर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत प्रशिक्षित महिला उम्मीदवार एस्थर निंगथौजमस्यो जो कि इम्फाल से हैं कि वे मंच पर आएं और अपने अनुभव साझा करें। एस्थर इम्फाल से दिल्ली DDU GKY के तहत प्रशिक्षण लेने आई थी। उन्होंने एक ऐसे शहर में आने की हिम्मत दिखाई जिसकी वह भाषा भी नहीं जानती थी। एस्थर DDU GKY के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद गुड़गांव में एक पिज़ेरिया में काम करती हैं और प्रशिक्षण के दौरान सीखे गए कौशल का उपयोग करके संगठन के भीतर वे अपनी जगह बनाने में कामयाब रही हैं। तो आइए आमंत्रित करते हैं एस्थर निंगथौजम को जो कि इम्फाल से हैं कि वे मंच पर आएं और आप सभी के साथ अपने अनुभव साझा करें। Good evening to everyone. My name is Esther. I'm from Manipur, Imphal West District. And I have 5 family members, myself, my mom, and my dad. And I have 2 younger brothers. And even before I appeared 12th exam, I heard about the DDU GKY through my sister, so that I came to Delhi to do the course. During my course, I got an opportunity to go to Hyatt Hotel to know more about the hotel industry. And during my course, I was the naughtiest girl in my college, but I got the highest mark in my college. After I got a placement, I saved 2-3 jobs, and now I'm working in Como Pizzeria Cafe, Gurgaon. There, all my staff are good, they're treating me well, and also they told me what is right and wrong. Because of my hard work, they increased my salary. My life has totally changed. I can interact with people, and also I don't have any shy to talk with others. And just a lot. My life has become more better. Thank you to my trainer, Ma'am Sangeeta, and Saurabh sir, and I love my job. I still remember that day when I have come to Delhi. I had to struggle, and it was so tough to argue with the auto driver. They used to charge too much. I see myself today. I feel that I'm confident to handle difficult moment has increased. My boss has appreciated my work, and lots of time I have handled with difficult guests. The opportunity I got through DDU GKY has helped me to do the transform my life and has helped me to move in my life. I'm so happy that I'm helping to my parents and I get more independence. I take this opportunity to thank all my trainers of DDU GKY and everyone who has helped me in reaching where I am. Thank you all and happy Women's Day. Thank you very much indeed, Esther, and all the best for your future. May you raise much more in your organization. ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान RSETI केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों के समर्थन से स्थापित गैर लाभकारी संस्थाएं हैं। यह संस्था बेरोजगारी की समस्या को कम करने के लिए BPL ग्रामीण युवाओं के आवश्यक कौशल प्रशिक्षण और उन्नयन के लिए समर्पित है।
इसका प्रचार और प्रबंधन बैंकों द्वारा राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से किया जाता है। और आप आमंत्रित करते हैं रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के तहत प्रशिक्षित महिला उम्मीदवार सुश्री सुवर्णा मारुति कचरे को कि वे मंच पर आएं और सभी के साथ अपने अनुभव साझा करें। सुश्री सुवर्णा ने अपने पति को अपने व्यवसाय में संघर्ष करते देखकर परिवार के वित्त में योगदान देने का जिम्मा उठाया। सुवर्णा ने आरसेटी सतारा से सामान्य उद्यमी विकास प्रशिक्षण लिया और अपना प्री मिक्स मसाले का व्यवसाय शुरू किया। सुवर्णा उद्योग वर्धनी मसाला के नाम से अब वह पूरे महाराष्ट्र में लगभग 55 तरह के प्री मिक्स मसालों की रेंज को सफलतापूर्वक वितरित कर रही हैं। तो आप सुनते हैं उनके अनुभव। हुए की तजुर्बा जीते हुए का और दिमाग खुद का इंसान को जिंदगी के कभी हारने नहीं देता। आदरणीय व्यासपीठ को मेरा प्रणाम। सज्जन जन को राष्ट्रीय महिला दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सुवर्णा कचरे सातारा जिला महाराष्ट्र राज्य से हूँ। मेरे परिवार में 7 सदस्य हैं। मेरे 7 ससुर, मेरे हस्बैंड और 3 बच्चे। मैंने हमेशा एक अलग राह चुनने की कोशिश की है। कोरोना की वजह से लॉकडाउन के होने के कारण मेरा मेस का बिजनेस ठप हो गया था। घर चलाने के लिए मुझे कुछ अलग करना जरूरी था। मुश्किल से घड़ी में कुछ नया करने का मौका जरूर मिलता है। आईडीबीआई द्वारा अपन पत्रिका में मेरे हाथ मिली और अन्न प्रक्रिया का कोर्स के नाम लिए दर्जा करवाया था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से पोस्टपोन किया हुआ कोर्स का तारीख और टाइम टेबल मुझे मिल गया। सातारा की दूरी में घर से 65 किलोमीटर है। सुबह जल्दी जाने की नौबत और शाम को देर से घर आने जाने के समय पे बस नहीं मिलने के बाद प्राइवेट सवारी में आना बहुत मुश्किल काम था। सुबह जल्दी बस पकड़ना और रात में देर से घर में पहुंचना बहुत मुश्किल था। ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनर से चर्चा करते करते कब समय बीतता था ये पता नहीं चलता था। ट्रेनिंग के दौरान अच्छी बात यह थी कि बहुत अच्छे ट्रेनर श्री शिंदे सर और IDBIRCT के डायरेक्टर अजिंक्य पवार सर ने प्रोत्साहन और काउंसलिंग किया। उनके कुछ दिखाने का हुनर मुझे हमेशा मुश्किलों का सामना करने के लिए शक्ति देता है। ट्रेनिंग कोर्स में मैं ब्रांड का नाम तय करने से लेकर रजिस्ट्रेशन से रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी दे गई थी। उसके मुताबिक मैं अपने ब्रांड को कुछ अलग तरीके से प्रमोट करना चाहती है। सुवर्ण उद्योग वर्धिनी खुद के नाम को बड़ा करने का मेरा जुनून है। प्रीमिक्स मसाले की जरूरत इसलिए है कि छोटा परिवार और दोनों कमाने के लिए काम से बिजी रहते हैं। इसलिए वापस घर आने के बाद थकान और खाना बनाने का टेंशन, इन सब समस्या का परफेक्ट सॉल्यूशन मेरा सुवर्ण उद्योग वर्धिनी प्रीमिक्स। यही शुरुआत मैंने बैंक से लोन भी उठा लिया है। शुरू में अपने रिश्तेदारी और पड़ोसियों को मैंने मेरा मसाले बनाकर देते उनका मसालों के प्रतिक्रिया फीडबैक मिलते ही मुझे और प्रोत्साहित मिल गया। मेरा तो इनकम शुरू हो चुका था, लेकिन मुझे मेरे साथ आसपास की गरीब महिलाओं को काम देने का बहाना है और मैं 2-2.5 हजार तक महिला को देना चाहती हूँ। मेरा सुवर्ण उद्योग वर्धिनी नाम ब्रांड, उनके साथ मैंने प्रीमिस के साथ अलग कोई कुरड़ी पापड़ लेमन पिकल मैंगो पिकल इतर प्रोडक्ट है। सभी प्रकार के स्पाइसेस पाउडर जैसे कि घर पे बने हुए प्रोडक्ट बनाना शुरू किया जो नेचुरल होममेड प्रीमिक्स मसाले नॉन प्रिजर्वेटिव है। ट्रेनिंग के अनुसार बताए हुए सभी पैकिंग हाइजीनिक क्लीनिंग और समय पर डिलीवरी डिस्पैच खुद पर्सनल देखती हूँ। ग्राहक समाधान और उनका रिपीट ऑर्डर मेरे काम को बढ़ावा देता है। अभी की छोटी हुई शुरुआत मुझे 3 महीने तक
तीन महीने 50,000 तक इनकम देना शुरू किया है। मैंने ट्रेनिंग जून में ले ली है। मेरा पीएसएसआई लाइसेंस सितंबर में आया है। उसके साथ मैंने प्रीमिक्स मसाले का ज़्यादा शुरू किया है। अभी की हुई छोटी शुरुआत, तीन महीने का 50,000 इनकम देना शुरू। मुझे बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर इस प्रोडक्शन को पूरे देश और विदेश में अलग मुकाम पे पहचान बनानी है। और आरसीटी ने दिया हुआ आत्मविश्वास मुझे मेरे साथ जुड़े हर एक व्यक्ति को अपना अलग पहचान देगा। घर की जरूरत को पूरा करने के लिए सोचकर उठाया हुआ कदम आज मुझे इस मुकाम तक ले आया है। मेरे काम को उचित न्याय देने का काम इस मंच ने दिया है। आप सबकी बहुत आभारी हूँ। आप इसी तरह से हमें प्रोत्साहित करते रहे और हमें अपने देश का नाम रोशन करते रहे। सबको सादर प्रणाम, धन्यवाद। और अब अनुरोध करना चाहेंगे माननीय राज्य मंत्री ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार श्री फगन सिंह कुलस्ते जी से कि वे दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के मुद्दों और विकास के बारे में अपने विचार साझा करें। श्री राज्य मंत्री जी, माननीय राज्य मंत्री वर्चुअल मोड पर मंडला से आप सभी को संबोधित करेंगे। एक बार तालियों के साथ स्वागत करते हैं माननीय राज्य मंत्री जी का। आज अंतरराष्ट्रीय लगता है मंडला से भी निकल गए महिला दिवस है और आज इसे मैं सबसे पहले देश के सभी उन माता बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और आज इसे विशेष अवसर पर हमारे भारत के ग्रामीण विकास से चाहे मंत्री मेरे बड़े भाई आदरणीय गिरिराज जी, हमारी बहन दूसरी रंजन ज्योति जी, सेक्रेटरी साहब और डेस्क पे बैठे हुए हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और देश के विभिन्न हिस्सों से प्रांतों से हमारे सभी उपस्थित प्रतिनिधि बंधुओं और विशेषकर इस पूरे कार्यक्रम में बड़ी संख्या में हमारी बहनें उपस्थित हैं, मैं आप सबको आज के उस अवसर पर बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज जैसा कि महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा इस बात का और आप सब लोगों को ध्यान में ही होगा कि अभी आज से 7 साल पहले हमारे देश में जो एससीजी की बहनें हमारी काम करती थी उनकी संख्या लगभग 2,35,00,000 के आसपास हुआ करती थी और आज इन 7 वर्षों में 8 करोड़ हमारी माता बहनें हमारे समूहों से जुड़ी हैं और ये अपने आप में इस बात एक समय 2 करोड़ माता बहनें जुड़ पाई इतने लंबे वर्षों में और आज 7 वर्षों में 8 करोड़ माता बहनों को हम जोड़ पाए। मुझे बहुत प्रसन्नता है जब मैं हमारे आदरणीय राजी बार बार इस बात के लिए हमारे मंत्री जी उल्लेख करते कि हर क्षेत्र में विशेषकर महिलाओं के क्षेत्र में हमने देखा है। उस समय मैं अटल जी के सरकार में मंत्री के नाते जब हमारी सुमित्रा ताई महिला बाल विकास का काम देखा करती थी तो सबसे पहले महिलाओं के क्षेत्र में बहुत बड़ा उनको इस सेक्टर को बढ़ाने के लिए हमारे जो हमारी उनको जो सम्मानी निधि जो मानदेय मिलता और भी इजाफा किया। और आज देश भर में अगर आप देखेंगे तो स्थानीय संस्थाओं के अंदर प्रधानमंत्री जी ने 50%
स्थानीय संस्थाओं में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर दिया है और ये अपने आप में एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला है। और जब हम एसीजी के बहनों के बारे में सोचते हैं, इतने बड़ी समूहों के बारे में सोचते हैं, उनके कामकाज के बारे में सोचते हैं, तो आज चाहे रसोईया हो और चाहे हमारे आंगनवाड़ी केंद्र हो और चाहे एसएजी के ग्रुप हो और हमारे एलटी समूह के हमारे जो शिक्षित ऐसे कार्यकर्ता हो, और इन लोगों के लिए आप इस सेक्टर को आप देखेंगे तो चाहे सेना के क्षेत्र में आप देखें, अनेक हमारे उद्योगों के क्षेत्र में हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप जहां काम करती है और उनके लिए मार्केटिंग की व्यवस्था, पैकेजिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करना, ये भी हमने मंत्री जी ने पिछले दिनों जब हमने सारस पोर्टल लॉन्च किया तो अभी पूरे देश में प्रवास के बाद ये अनुभव आया कि बड़ी संख्या में हमारी जो बहनें काम करती हैं। मैं अभी 2-3 दिन पहले केरल में था, तमिलनाडु, मैंने वहां पर समूहों के साथ में मैंने थोड़ा बातचीत किया, वहां के समूहों को कामकाज के दृष्टि से मैं जब अनुभव किया तो ये ध्यान में आया कि बहुत बड़ी संख्या में हमारी बहनें इस दिशा में आगे बढ़ रही, और ये हमारा प्रयास है कि उनके के जो उन समूहों के लिए, और मैंने कहा कि सीधे हमारे पोर्टल से जुड़ करके, और ये हमारी कोशिश है कि राजधानियों के जितने प्रदेश हैं उनके राजधानी या हमारे एयरपोर्ट या टूरिज्म का कोई बड़ा सेक्टर, इस प्रकार के स्थानों को चिन्हित करके इनको आय के साधन की दृष्टि से, उनको आर्थिक दृष्टि से और कैसे हम मजबूत करें, सशक्त करें, इस प्रकार का प्रयास हमारे मंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में यह हमेशा हम मिलकर के काम करते हैं कि अपने आप में एक बहुत अद्भुत परिवर्तन इस देश में महिलाओं के समूह के अंदर, महिलाओं के बीच में हम देख रहे हैं। और आज 50% आबादी जब हम भागीदारी की बात करते हैं, आपस में मिलकर के साथ काम करने की बात करते हैं, तो ये अपने आप में एक अभूतपूर्व, ये मुझे आज कहते हुए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं सभी बहनों को भी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि वास्तव में ये क्रांतिकारी निर्णय आज जो हो रहे हैं महिलाओं के समूह के अंदर, महिला समाज के अंदर, इस देश में जो परिवर्तन आप दिख रहा है, महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, हमारी बहनों में जो अवेयरनेस दिख रहा है, आज हर क्षेत्र के अंदर बहुत बड़ी भागीदारी सुनिश्चित हमने किया है, और इसीलिए समूहों को भी दृष्टि से उनको सक्षम बनाने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे बहुत खुशी है जब मैं आज इस अवसर पर मैं इस पूरे मुकाम पर देख पा रहा हूं, और मैं सभी यहां पर उपस्थित इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधियों को, मैं हमारे अभी बहनों के कुछ सुझावों को मैंने अलग अलग प्रदेशवार में सुन रहा था, तो अपने परिवार के साथ, पति पत्नी बच्चे हो, और अपने उस कामकाज की दृष्टि से उनमें सहभागिता और परस्पर आपस में एक दूसरे का जो संवाद और साथ मिलकर के बड़ी संख्या में लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और आर्थिक दृष्टि से वो अपने आप को मजबूत हो रहे हैं, और यही आज के इस भारत में जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब बात करते हैं तो बहुत बड़ी संख्या में भारत के अंदर जो हमारी महिला बहनों का जो प्रतिनिधित्व हो रहा है, आधे की ऊंचे ऊंचाइयों को भी छूने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, और यही प्रमाण आज देश की जो आबादी का जो 50% हिस्सेदारी आज हमारी बहनों का है। मैं आज के इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर, और विशेषकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को भी कि हम सबको और विशेषकर महिलाओं को विशेष स्थान देकर के वो आगे बढ़ा रहे हैं, उनका संरक्षण दे रहे हैं, जिसका मार्गदर्शन हम सब लोग मिलकर के कर रहे हैं। आदरणीय गिरिराज जी हमारे मंत्री है और लगातार इस दिशा में वो प्रयास कर रहे हैं, और इसका ही प्रतिफल है आज हमारे इस विज्ञान भवन में, भले हम प्रत्यक्ष रूप से मैं उपस्थित नहीं हूं परंतु ऑनलाइन आप सब लोगों से संवाद है। मैं पूरे विभाग को भी और विशेषकर आदरणीय मंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं कि अपने एक नए इनिशिएटिव के साथ में हम सबको आगे
ले जा रहे हैं और विशेषकर हमारी माता बहनों को, बड़े बड़े हमारे उन जो समूहों को जहां पर आप काम कर रहे हैं और ऐसे क्रांतिकारी परिवर्तन आज समाज में दिख रहा है। मैं आज के अवसर पर एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद और आपके मार्गदर्शन के लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आज़ादी के बाद से नियोजित विकास ने महिलाओं की स्थिति में बहुत सुधार किया है, लेकिन महिलाएं आज भी भेदभाव का शिकार हैं और अपने अधिकारों से वंचित होती आ रही। लैंगिक न्याय प्रगति को प्राप्त करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एवं महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता एवं विकास का एक अभिन्न अंग है। NRLM द्वारा स्थापित न्याय केंद्र महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन के विभिन्न रूपों को संबोधित करने के लिए भारत सरकार की एक पहल है। और आइए अब प्रस्तुत करते हैं आपके समक्ष जेंडर जस्टिस सेंटर मैनेजमेंट पर एक लघु फिल्म। पिछले कुछ वर्षों में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अत्यधिक प्रयास किए गए हैं। इनके परिणाम स्वरूप महिलाओं के आत्मविश्वास व आत्मबल में कई गुना बढ़ोतरी हुई है, परंतु आज भी महिलाओं को अपनी आत्मनिर्भरता के लिए कई भेदभावों का सामना करना पड़ रहा है। ये मोर ननंद हरे, एकर शादी है 2019 में हो रही से, एकर पति है एकदम मारपीट करे। NRLM जेंडर एकीकरण में हस्तक्षेप कर उनसे जुड़ी कार्रवाई करता है, जिसके लिए कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं का क्षमता निर्माण गहन तरीके से किया जाता है। NRLM जेंडर जस्टिस सेंटर के द्वारा इन महिलाओं को उनके अधिकारों से अवगत करवाता है। हमारे परिवार में बेटियां जन्म लेने पर दुसाहस से खुशियां मनाएंगे, बेटियों को अच्छा शिक्षा देंगे। उन पर हो रही हर प्रकार की हिंसा को पंचायत व ब्लॉक स्तर पर संबोधित करता है। जेंडर जस्टिस सेंटर को 5 राज्यों में शुरू किया गया है, जिनमें प्रत्येक राज्य ने अपने मॉडल लागू किए हैं। छत्तीसगढ़ में नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत बिहान के द्वारा छत्तीसगढ़ के 19 जिलों के 59 विकास खंड में जेंडर इक्वालिटी के संबंध में प्रयास किया जा रहा है। इसके अंतर्गत हमारे जो कम्युनिटी कैडर्स हैं प्लस हमारे जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे महिलाओं के स्व सहायता समूह हैं, विलेज ऑर्गेनाइजेशंस हैं और क्लस्टर लेवल फेडरेशंस हैं, इनको शामिल करते हुए ग्रामीण क्षेत्र में जेंडर इक्वालिटी का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत हमने सभी CLF में और इसमें विलेज ऑर्गेनाइजेशंस में हमने सोशल एक्शन कमेटी बनाई है और इसी तरह से SHG लेवल पे जेंडर पॉइंट पर्सन नियुक्त किए गए हैं। मेरे क्लस्टर में 27 सखी मंच तैयार की हूँ और 26 जेंडर फोरम तैयार की हूँ और इसमें महिला हिंसा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, इन्हीं के ऊपर मैं सबको सुझाव देती हूँ, ट्रेनिंग देती हूँ। आखिरी छोर उड़ीसा है, उड़ीसा के बॉर्डर में मेरा क्लस्टर है और उसमें आदिवासी लोग ज्यादा है, क्योंकि वो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है और आज जेंडर फोरम के चलते उन लोगों को जमीन का पट्टा भी मिल रहा है और अभी शिक्षित भी हो रहे हैं। संगनी परामर्श योजना के बारे में सुने हैं जो दीदी हम मतलब बताई से, तो ये मतलब पूछे हैं कि हमारे सहयोग कर सकते हो का करके, तो ये बोली से कि हाँ आवेदन लगा सकते हो इसे करके, तो ये हम मतलब पूरा सहयोग दी से और हमारे सामान ला वापस करी से। सभी GRC स्नेहता के अंतर्गत कारगर है। यहाँ ज्यादातर मामले पड़ोस के समुदायों और सतर्क समूह से आते हैं। सतर्क समूह प्रत्येक वार्ड में बैठकें आयोजित करते हैं जहां उस वार्ड की समस्याओं पर चर्चा की जाती है, फिर सतर्क समूह के माध्यम से इन समस्याओं को समझा और संबोधित किया जाता है। इसके बाद GRC में समस्या की पहचान की जाती है और समस्या स्नेहिता केंद्र को रेफर कर दी जाती है। स्नेहिता तक पहुंचने वाले मामलों का पहले पंजीकरण किया जाता है, फिर जिन मामलों में परामर्श की जरूरत होती है उन्हें स्नेहिता केंद्र में परामर्श सेवाएं प्रदान की जाती हैं। वीका मिशन के माध्यम से हमारा लोकाधिकार केंद्र चूंकि जनपद में संचालित होता है, तो इस मॉड्यूल्स ने एक लोगों की सोच को बदलने का और खुद को रखने का एक साझा एक प्रयास किया है। में हम उदाहरण ले सकते हैं कि गौरा गांव में आशा के परिवार से उनके पति आए दिन उनको प्रताड़ित करते थे, मार पिटाई करते थे, घर से बाहर नहीं जाने देते थे, अपनी बातों को कभी उनको रखने का मौका नहीं मिला, लेकिन इसी न केवल उनकी सोच में बदलाव आया बल्कि उन्होंने अपनी बात को रखने का एक साझा मंच उनको मिला। NRLM की इस पहल से आज महिलाएं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत रूप से सशक्त हो रही हैं।
धन्यवाद। और अब आमंत्रित करते हैं जेंडर जस्टिस सेंटर के प्रबंधन पर अपने विचार साझा करने के लिए श्रीमती शीतल बैरवा जी को। श्रीमती शीतल मध्य प्रदेश से हैं और स्वयं समता सखी हैं, जिनका कार्य समूह सदस्यों को जेंडर विषय पर प्रशिक्षित एवं जागरूक करना है। ऐसे मुद्दे जो ग्राम स्थल पर हल नहीं होते, उन सब में शीतल जी की भूमिका होती है। तो अब स्वागत करते हैं श्रीमती शीतल बैरवा जी को कि वे आप सभी के साथ जेंडर जस्टिस सेंटर मैनेजमेंट पर अपने अनुभव बताएं। आए हुए मेरी सभी दीदियों और भैयाओं और श्रीमान जी सभी को मेरा नमस्कार और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को सभी को शुभकामनाएं। मेरा नाम शीतल है और मेरा गांव का नाम ननाउद है। मेरे समूह का नाम जय श्री राम स्वयं सहायता समूह है। मैं उस समूह की सदस्य हूँ। ग्राम संगठन का नाम संतोषी माता है, उसकी भी मैं सदस्य हूँ और संकुल स्तर पर मैं समता सखी का कार्य करती हूँ, जिला श्योपुर, ब्लॉक श्योपुर, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ से। हम सब दीदियाँ समूह में जुड़े हैं, लेकिन बैठक बचत और लेन देन करते थे, लेकिन उसके बाद में जो हमारी दीदियों की समस्या रहती है, दुख सुख, कोई परेशानी रहती है, कोई समस्या होती है, तो उस पर चर्चा तो करते थे लेकिन ज़्यादा उतना ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि लेन देन बचत में दीदियाँ व्यस्त रहती थी। तो फिर हम दीदियों ने मिलकर, जैसे कि राष्ट्रवाद, हम दीदियों ने वहाँ पर एक जेंडर का प्रशिक्षण लिया राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की तरफ पर श्योपुर सिटी सी पर। वहाँ पर जेंडर प्रशिक्षण में मेरे हक, मेरे पहचान पत्र, मुन्ना मुन्नी, सुख दुख, बंधन और किसका पहला बारी, हमको प्रशिक्षण मिला। हम वो प्रशिक्षण सीख कर गाँव स्तर पर आए। गाँव स्तर पर हमने समूह में जेंडर पॉइंट पर्सन सखी तैयार की, सामाजिक समिति सदस्य तैयार किया और हमने तैयार करने के बाद में जो समूह संगठन से, ग्राम संगठन से और संकुल स्तर पर जो प्रशिक्षण करते थे, तो वहाँ जो मुद्दे केस निकल कर आते थे, तो हमारी समूह सखी दीदी, जेंडर सखी दीदी उन मुद्दों को लेकर पंचायत तक जाती थी। लेकिन वो मुद्दे पंचायत पे छोटे मोटे केस तो हल हो जाते थे, लेकिन जो ज़्यादा बड़े केस होते थे तो वो पंचायत स्तर पर नहीं हल हो पाते थे। इसीलिए हम संगठन की दीदियों ने मिलकर हमने एक बात करी, निर्णय लिया कि हम लोक अधिकार केंद्र श्योपुर में खोले, क्योंकि सभी तरह के केस आते हैं। हमारी दीदियां कलेक्ट्रेट पे, जनपद पे इधर उधर चक्कर लगाते थे, लेकिन उनका काम नहीं हो पाता था, क्योंकि हमारी दीदियां इतनी जागरूक नहीं थी कि उनका काम करा सके। फिर हम सभी दीदियों ने मिलकर राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से लोक अधिकार केंद्र खोला। लोक अधिकार केंद्र हफ्ते में दो दिन खुलता है, मंगलवार और शुक्रवार, 10 बजे से 5 बजे तक। वहाँ पर सभी तरह के केस पंजीकरण होते हैं, जैसे कि राशन से संबंधित और जमीन से संबंधित, महिला हिंसा, घरेलू हिंसा, और जैसे कुपोषण से जंग वाली 1000 रुपये वाली राशि नहीं मिलती थी दीदियों को, और मातृत्व वंदन, जैसे दिव्यांग पेंशन, वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन, ये सभी प्रकार के केस वहाँ पर आते थे। तो हम दीदियों लोक अधिकार केंद्र पर 5 प्रकार के रजिस्टर रहते हैं, जैसे विजिट रजिस्टर, पंजीकरण रजिस्टर, केस रजिस्टर और उपस्थिति रजिस्टर, फॉलोअप रजिस्टर। इनमें दीदियों की पंजीकरण करते हैं और समस्या सुनते हैं, समस्या सुनकर उनका आवेदन बनाते हैं और उन आवेदनों को अलग अलग विभाग में पहुँचाते हैं। फिर जैसे कि वो आवेदन लगाते हैं तो उन पर हम 8 दिन में 10 दिन में उनका फॉलोअप करते रहते हैं। ऐसे हमारी दीदियों की कई कहानियां लोक अधिकार केंद्र पर आई है, जैसे महिला हिंसा एक दीदी की कहानी थी। उसके पति शराब पीकर बहुत मारपीट करते थे, बच्चे की पिटाई करते थे, लेकिन हमें पता चला तो हम ग्राम संगठन प्रशिक्षण देने गए तो दीदी ने बताया। फिर हम समिति सदस्य हम मिलकर दीदी को लोक अधिकार केंद्र लाए। लोक अधिकार केंद्र में दीदी ने अपनी समस्या बताई और समस्या दर्ज कर आवेदन बनाकर हम उनको वन स्टॉप सेंटर लेके गए। वन स्टॉप सेंटर में दीदी ने उनके परिवार वालों को बुलाया, उनके पति को बुलाया, हम सब दीदियां गए, उनसे बातचीत करी, तो आज दीदी अच्छे से उनके परिवार में रह रही है। हम दीदी को घर पे जाके
मोबाइल फोन पे संपर्क करते रहते हैं, दीदी अच्छे से रह रही है। ऐसे कई हमारी दीदियों को मातृ बंधन वाली सहायता नहीं मिलती थी, जो उन दीदियों को लोकाधिकार केंद्र बुलाया और उनका आवेदन बनाकर विभागों में लगाया। आज हमारी 20 दीदियों की मातृ सहायता मिल गई है और अच्छे से रह रही है। ऐसे कई हमारे भैया बहनों को जो दिव्यांग हैं, उनको चल नहीं पाते हैं, उनको ट्राई साइकिल का लाभ दिलाया, बैसाखी का लाभ दिलाया, ताकि वो आ जा सके, चल सके, बाहर की दुनिया देख सके। ऐसे हमारे जो पेंडिंग हमारे लोकाधिकार केंद्र में कुल 698 केस दर्ज हुए हैं और 374 केस हल हो गए और अभी 324 केस प्रक्रिया में चल रहे हैं और उनके आवेदन अभी विभागों में लगे हुए हैं, जो उनकी प्रक्रिया है। और हर 3 में हम जनरल जस्टिस फोरम की जिले में मीटिंग करते हैं, वहाँ पर संबंधित विभागों के अधिकारी आते हैं और उनसे मीटिंग में हम बातचीत करते हैं जो पेंडिंग में केस रखे हुए हैं कि वो कब तक हल हो जाएंगे, ऐसे हम उनको मीटिंग करते हैं। और जैसे हम जैसे मुन्ना मुन्नी सुख दुख किसका पड़ला बारी ये पर्ची चढ़ लिया, तो जैसे मेरे पहचान पत्र दीदियों घर से बाहर नहीं निकलती थी, उनका हक ले नहीं पाती थी कि राशन कार्ड बंद है तो कहाँ बनवाना है, क्या क्या कागज लगेंगे और किस विभाग में जाना है, तो ये सब दीदियों को हम ट्रेनिंग देते थे राशन के संबंधित, आधार कार्ड बनवाना हो, किसको जॉब कार्ड बनवाना हो, तो ये सब दीदियों को प्रशिक्षण में बताते थे। जैसे किसका पहला बारी, तो जैसे मान लो कि काम तो महिला करती है लेकिन निर्णय पुरुष लेता है, पूरा घर का काम महिला करती है, पुरुष निर्णय लेता है, तो महिला भी निर्णय ले सकती है ना, उनका भी तो घर में अधिकार है ना, तो ये सब दीदियों को हम ट्रेनिंग में बताते हैं। जैसे सुख दुख की बात हो, तो दीदी मीटिंग तो करती थी लेकिन वो सुख दुख की दीदी के क्या परेशानी है क्या नहीं है वो बातें नहीं करते थे, लेकिन हमने प्रशिक्षण लेने के बाद में दीदी को सुख दुख की बातें से पता चलता है कि दीदी पे कितना हिंसा हो रही है, कितनी पिटाई हो रही है घर में, उनको सम्मान नहीं मिल रहा, मान सम्मान, तो ये सब हम दीदी को मतलब सशक्त करते हैं, जागरूक करते हैं और उनको आगे लाने की कोशिश करते हैं ताकि अपना हक आगे वो ले सके। मुन्ना मुन्नी जैसे हम छोटे बच्चे रहते हैं उनमें भेदभाव करते हैं, बेटा को तो अच्छे पढ़ाते हैं लिखाते हैं, बेटी को पढ़ाते लिखाते नहीं है, क्यों बेटी को क्यों नहीं पढ़ाते, बेटी को भी तो पढ़ाना चाहिए ना, मैं भी एक किसी की बेटी हूँ तो आज मैं पढ़ी हूँ तो यहाँ तक आ गई हूँ। अगर अपनी बेटी हो या बेटा हो सभी को मान सम्मान से रखो, सभी को पढ़ाओ लिखाओ और एक सम्मान रखो, तो हम ये सब ट्रेनिंग गाँव स्तर पर जाकर महिला को सशक्त और जागरूक करते हैं। और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की माध्यम से आज मैं इतनी जागरूक और इतनी हिम्मत वाली हो गई हूँ कि आज दिल्ली में सबके सामने स्टेज पर बात कर रही हूँ, मुझे इतना मौका मिला, नहीं तो मैं कभी दिल्ली भी नहीं आई, मैंने कभी दिल्ली देखा भी नहीं है। वो सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, मैं आज यहाँ बात कर रही हूँ सबके सामने, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद। और अब आज के कार्यक्रम के सबसे प्रतीक्षित हिस्से की ओर आगे बढ़ते हैं, जहां हम पुरस्कृत करेंगे सर्वश्रेष्ठ क्लस्टर लेवल फेडरेशंस एवं DAY NRLM के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले पब्लिक सेक्टर बैंक्स को, और सम्मान पत्र प्रदान करेंगे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी को, जिन्होंने DDU GKY के तहत अधिकतम महिला उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया। और पुरस्कार प्रदान करने के लिए निवेदन करना चाहेंगे माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज भारत सरकार श्री गिरिराज सिंह जी से। सर, आपसे निवेदन करेंगे, कृपया सामने आने का कष्ट करें। सबसे पहले पुरस्कृत करेंगे सर्वश्रेष्ठ क्लस्टर लेवल फेडरेशंस को, क्लस्टर लेवल फेडरेशन आत्मनिर्भर संगठन अवार्ड्स DAY NRLM द्वारा पदोन्नत घटक की महिला सदस्यों और SHG की महिला सदस्यों के जीवन को प्रभावित करने वाले फेडरेशंस और कार्यों को स्वीकार करने के लिए गठित किए। नॉर्थ सेंट्रल रीजन से आमंत्रित करते हैं सबसे पहले CLF कैटेगरी 5 वर्ष से कम के आस्था आजीविका संकुल संगठन, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा समर्पित SHG समूह संघ, राजनांदगांव जिले के सुदूर डोंगरगांव ब्लॉक में स्थित है। संघ का गठन मार्च 2017 में किया गया था। जनवरी 2022 तक इन्होंने 4,800 ग्रामीण गरीब और गरीब महिलाओं को 400 से अधिक SHG में संगठित किया। जोरदार तालियां आस्था आजीविका संकुल संगठन के लिए नॉर्थ सेंट्रल रीजन से।
और अब आमंत्रित करते हैं कर्नाटका से चेतना संजीवनी सीएलएफ के सदस्यों को। चेतना सीएलएफ का गठन दिसंबर 2019 में हुआ था और यह सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। यह 82 एसएचजी और 12 स्वैच्छिक संगठनों में संगठित 1200 लगभग परिवारों के साथ काम करता है, जिसके द्वारा इसने लगभग 73% संभावित गरीबों तक पहुंच बनाई है। FNHW पहल के तहत CLF काफ़ी अच्छा कार्य कर रहा है। विशेष रूप से इसने SHG सदस्यों के लिए 100% कार्यात्मक शौचालय की सुविधा सुनिश्चित करी है और लगभग 95% SHG अपनी नियमित बैठक में FNHW संचालन कार्यनीतियों पर चर्चा और समीक्षा करते हैं। और अब नॉर्थ ईस्ट रीजन से आमंत्रित है कलशी महिला समूह बहुमुखी समवाया समिति लिमिटेड का गठन 10 फरवरी 2018 को दक्षिण त्रिपुरा जिले के जुलाईबाड़ी ब्लॉक में किया गया। सीएलएफ परिचालन भूगोल में लटू आलिता, कालसीमुख, कलसी, स्वदेश नगर, पश्चिम चक्रबाई, पूर्वी चक्रबाई और चक्रबाई की 7 ग्राम पंचायतें शामिल हैं। और अब सदर्न रीजन से आमंत्रित करते हैं अरियान कुप्पम ब्लॉक लेवल फेडरेशन पुडुचेरी से 2017 में 1860 के तहत BLF के रूप में पंजीकृत 40 पंचायतों में कुल 16,000 के करीब महिला SHG सदस्यों के साथ काम करता है। कुल पंचायत 40, VO 40, SHG 1200, महिला सदस्य 1600-200 के करीब और BLF अपने सदस्यों को 8 से अधिक सरकारी योजनाओं की सुविधा प्रदान कर रहा है। जोरदार तालियां इनके लिए। और अब ईस्ट एंड वेस्ट रीजन से नवप्रभा महिला प्रभाग संघ जेरवाली महाराष्ट्र के लोहरा तालुका उस्मानाबाद जिले से है। यह एक पंजीकृत CLF है और CLF का गठन 6 अक्टूबर 2017 को किया गया था। इसमें 275 SHG और 12 VO हैं। CLF मासिक EC बैठक आयोजित करता है और बैठक की नियमितता 95% उपस्थिति के साथ 100% है। और अब अगली कैटेगरी है 5 वर्ष से 9 वर्ष तक। और राजस्थान से आमंत्रित करते हैं जोंधरी राजीविका महिला बहुउद्देश विकास सहकारी समिति को। राजस्थान राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा समर्पित मॉडल CLF डोंगरपुर जिले के जोंधरी ब्लॉक में स्थित है। CLF ने मनरेगा के लिए PIE के रूप में काम करते हुए आजीविका संपत्ति का सृजन करने की सुविधा प्रदान करके अपने सदस्यों की आजीविका के अवसरों में सुधार लाने का शानदार कार्य किया है। यह वर्तमान में 21 ग्राम पंचायतों में लगभग 1600 योजनाओं को लागू कर रहा है। अब आमंत्रित करते हैं दिव्य ज्योति संजीवनी ग्राम पंचायत मदद महिला ओकुटा CLF कर्नाटका से। DGS CLF का गठन जून 2015 में किया गया था और यह सोसाइटी के रूप में पंजीकृत है। यह 71 SHG और 7 VO में संगठित 777 परिवारों के साथ काम करता है। FNHW पहल के तहत CLF अच्छा काम कर रहा है और विशेष रूप से इसने SHG सदस्यों के बीच 100% कार्यात्मक शौचालय की सुविधा सुनिश्चित की है। SHG के लगभग 60% सदस्यों ने अपने घर में ब्यूटी गार्डन शुरू किया है और CLF ने द्वितीय लहर के दौरान कोविड केयर सेंटर को भी पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था की। और अब आमंत्रित है धनसिरी समूह स्तरीय संघ आसाम से। धनसिरी समूह स्तरीय संघ का गठन 19 फरवरी 2014 को असम के कार्बी अंगलोंग जिला के लुपजोंग ब्लॉक में किया गया था। CLF 3,200 परिवारों को कवर करता है,
जिसमें 100% पूर्णता हासिल है। यह 2007 के असम सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत है। और अब आमंत्रित है नंदीगामा मंडल महिला समाख्या नंदीगामा तेलंगाना से। इनकी कुल आउटरीच 603 स्व सहायता समूह हैं। CLF ने मानव संसाधन और वित्त के लिए काफ़ी स्पष्ट नीतियां बनाई हैं। CLF ने अपना वार्षिक कार्य योजना भी परिभाषित किया है और समय समय पर इसकी समीक्षा करने के लिए तंत्र स्थापित किया है। इसने सरकारी विभागों के साथ भी बहुत अच्छा सहयोग किया है और सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में सक्रिय भूमिका निभाई। और अब आमंत्रित करेंगे संगम जीविका विमेन डेवलपमेंट सेल्फ सपोर्टिंग कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड बिहार को। CLF सक्रिय रूप से सबकी विषयगत कार्यकलापों में लगा हुआ है। FNSW के तहत अन्य कार्यकलापों के साथ CLF ने अपने सभी सदस्यों की टीकाकरण सुनिश्चित किया एवं गरीबों को शामिल करने और उनकी आजीविका को बढ़ावा देने के लिए काम करने की स्पष्ट कार्यनीति है। और अब अगली कैटेगरी जो कि CLF की कैटेगरी 9 वर्ष से अधिक की है। मैं मध्य प्रदेश से आमंत्रित करते हैं दुर्गा सामुदायिक समिति नामक MP SRRLM समर्पित मॉडल CLF शिवपुरी मध्य प्रदेश में स्थित है। 28 सितंबर 2011 को गठित यह CLF 10 से अधिक वर्षों से कार्य कर रहा है। CLF ने सबसे गरीब परिवारों के जेंडर और सामाजिक समावेश पर व्यापक रूप से काम किया है। गरीब और वंचित परिवारों को शामिल करने के लिए तैयार लक्ष्य की योजना बनाई है। और अब आमंत्रित है नित्य संघ महिला स्व सहायता समूह सहकारी सोसाइटी लिमिटेड CLF पश्चिम बंगाल से। DJ CLF का गठन मार्च 2008 में किया गया और यह सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत है। यह 2028 SHG और 11 VO में शामिल लगभग 2500 परिवारों के साथ काम करता है। और अब तेलंगाना से आमंत्रित करेंगे आदर्श मंडल महिला समाख्या नरसमपेट वारंगल को। और आप सभी को बताना चाहेंगे कि प्रधान और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से प्राइज मनी का आयोजन किया गया। सभी पुरस्कार सिलफों को CLFs को 1,00,000 प्राइज मनी का चेक प्रदान किया गया, एक ट्रॉफी और एक सम्मान पत्र। और अब सम्मानित करेंगे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी शाही एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड फरीदाबाद को। यह एक प्रशिक्षण नियोक्ता और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में शाही एक्सपोर्ट्स 62 जिलों एवं लगभग 400 ब्लॉकों में 3,200 से अधिक गांव में अपने 21 प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से 5 राज्यों उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब और कर्नाटका में DDU JKY कार्यक्रम लागू करते हैं। और अब DAY NRLM के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले पब्लिक सेक्टर बैंक्स को पुरस्कृत करेंगे। इनके अंतिम रूप देने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वाले बैंकों की पहचान के लिए कुछ मापदंड रखे गए थे, जैसे महिला SHGs की क्रेडिट लिंक संख्या, वितरण ऋण राशि SHGs के क्रेडिट लिंक्ड का प्रतिशत, कितने प्रतिशत राज्यों ने ये लक्ष्य हासिल किया, औसत डिसबर्समेंट में वृद्धि और NPA राशि में कमी। और अब आमंत्रित है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए।
फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए पंजाब नेशनल बैंक और आमंत्रित करते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक इंडियन बैंक को। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और प्राइवेट बैंक में से आमंत्रित करते हैं जेएनके बैंक को, जम्मू एंड कश्मीर बैंक। ये फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के विजेता हैं। और अब फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के विजेताओं को आमंत्रित करते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पंजाब एंड सिंध बैंक कैनरा बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में से पुरस्कृत करेंगे 2000 HDFC बैंक को। हार्दिक धन्यवाद माननीय मंत्री जी का, उन्होंने अपने कर कर्मों द्वारा सभी पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कृत किया। एक बार जोरदार तालियां सभी विजेताओं के लिए। और इसी के साथ अनुरोध करते हैं आज के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए शुरू किए गए योजनाओं पर अपने विचार साझा करने के लिए माननीय मंत्री श्री गिरिराज। और एक बार जोरदार तालियां हो जाएं माननीय मुख्य अतिथि के स्वागत। हम कर लेते हैं। आज 2 घंटे से ये कार्यक्रम चल रहा है। इसमें सभी प्रतिभागी जिन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया, काम किया, मैं सर्वप्रथम उनको आगे भी इनसे प्रेरणा लेके हर क्षेत्र में लोग काम करते रहें। मैं आज के इस अवसर पर अपने सहयोगी साध्वी निरंजन ज्योति जी, हमारे भाई फगन सिंह कुलस्ते जी, मेरे सहयोगी मंत्री, आज संयोग नहीं बल्कि महिला जो विकास मंत्रालय है, आज सचमुच में ये कार्यक्रम अपने कार्यक्रम को करते हुए यहाँ महिलाओं का योगदान भारत के आर्थिक क्षेत्र में कितना है इसे देखने के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंदिवर पांडे जी जो सचिव हैं। इन सारे कार्यक्रमों में जिस मॉनिटरिंग करने का काम
समय समय पर हम सब मिलके एक टीम में काम करते हैं। श्री एन एन सिन्हा जी सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय, प्रवीण कुमार महतो जी जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, चरणजीत सिंह जी जो एडिशनल सेक्रेटरी इस विभाग के खास करके NLRM को बड़े गंभीरता से करते रहा है, अमित कटारिया जी जो हमारे संयुक्त सचिव हैं, श्रीमती नीता केजरीवाल जी जो संयुक्त सचिव हैं, और विभाग के पंचायती राज के सचिव, LR के सचिव, और देश में विभिन्न स्थानों पर से जुड़े हुए हमारे सभी पर इस कार्यक्रम में सम्मिलित मेरी बहन भाई, हर राज्य के अधिकारीगण, आज ये कार्यक्रम नाम तो है इसका विश्व महिला दिवस, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने इसे एक साल से अमृत महोत्सव के रूप में लिया है। विश्व महिला दिवस 1908 से मनाया जा रहा है, लेकिन 1975 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे एक नए ढंग से, एक तिथि से मनाने का निर्णय किया। हमारी बहन कह रही थी कि महिलाओं का तो सच योगदान के बगैर इस देश के किसी कालखंड में, चाहे देश की आजादी रानी लक्ष्मीबाई का नाम उन्होंने ली, आजादी की लड़ाई में सरोजनी नायडू का नाम हो, कस्तूरबा गांधी का नाम हो, जिनका भी नाम लो, पहले देश में गर्व की बात है। सुचिता कृपलानी जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, लेकिन आज मैं बैंकों को भी सम्मान करने का काम किया, अपनी बहनों को भी सम्मान करने का काम किया। सम्मान इसलिए करने का काम किया कि आज देश के अंदर में हमारी बहनें जब बोल रही थी तो मेरे अंदर खुशी इतनी थी कि आंखें नम हो रही थी कि आज कहीं डिपार्टमेंट के इस कार्यक्रम के तहत वो जिस भाषा का प्रयोग कर रही थी, जिस कॉन्फिडेंस से कह रही थी, टेक्नोलॉजी के प्रयोग की बात कर रही थी कि हम अपने बहनों का माल कहाँ बिकता है, कैसे बिकता है, मैं देखती रहती हूँ। मुझे कि नरेंद्र मोदी का जो सपना है कि गरीबों को अपना अधिकार देना, और आज तो विमेंस, हम कभी राष्ट्रपति महोदय को मिसाइल मैन कहते थे, अब तो टेरी थॉमस भी विमेन मिसाइल मैन कहलाती है, रॉकेट विमन है रितु करिधल, मैथ्यू बनीता है चंद्रयान टू। मैं इसलिए कह रहा हूं कि महिलाओं में इतनी ताकत है, विभाग ने जो नीतियां बनाई है, अभी तो लाखपति की बात कर रहा हूं, आपने देखा होगा कि महिलाओं ने 2 रुपया कमाने वाली महिला आज देश के अंदर में एक अपनी स्थिति बनाई है। महाराष्ट्र की बहन जो आज कहां से कहां ले जाकर के अपने पूरे कारोबार को ले जाने का काम किया है, मैं उनको देखता हूं। कल्पना सरोज 2 रुपये पर काम करती थी, आज कल्पना सरोज $100 मिलियन की साम्राज्य बनी हुई है। ये हमारे आपके लिए सलम डॉग मिलियनेयर कहा जाता है। क्या किसी ने कल्पना की थी कि 2 रुपये सलम में रहने वाली बहन, तो आज हमारी आंखें उस समय
खुशी से भर रहा था। खुशी भी थी और मेरे सपने भी उसके साथ। मैं अपने सपनों को भी देख रहा था कि आखिर हम कहां तक इन्हें ले जाना चाहते हैं। आज देश के अंदर में टोटल 15 मिलियन इंटरप्राइजेज महिला चला रही हैं, जो कुल इंटरप्राइजेज जो देश के अंदर है उसका 20% हमारी बहनें चला रही हैं, चाहे अचार बना रही हैं, चाहे और अन्य प्रयोग करके हैंडीक्राफ्ट का काम कर रही। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले दिन में, एक प्रोजेक्शन है कि 30 मिलियन तक 2030 तक ये जाएंगे, या कम से कम 170 मिलियन महिलाओं को, लोगों को रोजगार देने का काम करेंगी। ये हमारे लिए एक भविष्य। जब प्रधानमंत्री 5 ट्रिलियन की बात करते हैं, उस 5 ट्रिलियन में जब ये योगदान जुटेगा तो आप इसकी कल्पना कर सकते हैं। आज नर्सिंग सेक्टर में 83% महिलाएं हैं। मैं किन किन, आज हम कोरोना के वैक्सीन को लगभग 200 करोड़ पर पहुंचाने की बात कर रहे हैं, इसमें महिलाओं का योगदान बहुत जबरदस्त रहा, बहनों का योगदान। और आने वाले दिन में 2022 का जो महिला दिवस, इसे पक्षपात खत्म, जेंडर इक्विटी की बात कही जा रही थी, दीदी साध्वी हैं, हर जगह कहीं दौर नहीं है कहीं उनसे, लेकिन इनके ऊपर ऐसा ना हो इसीलिए हम इन सारी चीजों को कर रहे हैं। महिलाओं की उपलब्धियों को पूरा समाज देखे। पत्रकारों से मैं निवेदन करूंगा, आप बजट के बड़े बड़े अंश को तो देखते हैं, उस पर अपनी टिप्पणियां देते हैं, लेकिन जो महिलाएं आपने आप देख रहे थे, सुन रहे होंगे, जब आप एक एक महिलाओं की बात आप सुनते कि 12 साल की शादी हो गई, पति घर से छोड़ दिए, आज लाखों करोड़ों की मालकिन बन गई, आज लिज्जत पापर पूरे देश में एक इतिहास गढ़ रहा। हमारी बहन कोई 5,000 के साथ काम कर रही महिलाओं, कोई 2,000, कोई 1,000, कोई 500 महिलाओं को लेकर के, तो ये एक इतिहास है। मैं उसी तरह से चेतना गाला सिन्हा, जो छोटी रकम जिसको एक ऐसे समाज से आती थी, वो पैसा जमा करने के लिए एक गरीब महिला लोहार परिवार से, उनके पैसे बैंक वाले नहीं जमा कर रहे थे, क्योंकि इनके अंदर कभी कभी बड़ी राशि अच्छा आनंद देता, और उस चेतना गाला ने आज बैंक बना ली और अंत में उसने बैंक खोल ली। वो लंबी कहानी है, मैं उन कहानियों में नहीं जाना चाहता हूं, मैं केवल कॉन्फिडेंस आपके, उनके कॉन्फिडेंस को रखना चाहता हूं कि उनके अंदर जज्बा कितना है, कि अगर बैंकर ने उनके 2 रुपये नहीं जमा किए, उसके अंदर वही चेतना है जिस चेतना के तहत आज लैब में भी काम कर रही हैं, इतने बड़े बड़े स्थानों पे काम कर रही हैं, सॉफ्टवेयर पर काम कर रही हैं, उसके अंदर भी वही चेतना है, भले उसके अक्षर ज्ञान का जो भी हो, और वो चेतना ने उसे आज एक बैंकर बना दिया, और बैंकर बना दिया एक गरीब महिला को। आज मैं आपके सामने प्रधानमंत्री का सपना है 19 करोड़ देश में लगभग रूरल हाउस होल्ड हैं, उसमें हमने तय किया है 24 तक 10 करोड़ हाउस होल्ड तक हम पहुंचने का काम करेंगे। और ये 10 करोड़ हाउस होल्ड, ठीक ही हमारे सहयोगी कह रहे थे कि विभिन्न
नामों से चलते चलते जब 13-14 तक मोदी जी की सरकार 14 में आया, 2,35,00,000 टोटल मेंबर थे हिस्ट्री। अभी तो हम लगभग 8,17,00,000 आज की तारीख 18,00,000 है, यानी हमने 2 गुना की से ज्यादा की वृद्धि की। केवल 2 गुना की वृद्धि ही नहीं की, पहले कुल केवल SHG जो नागेन जी बता रहे थे 19.29 लाख था, 54,00,000 SHG का ग्रुप जो बढ़ करके 73 point something पर आ गया, 74 पे आ गया, यानी 19 से हम यहां तक पहुंच गए, 54 और 19 को जोड़ लेंगे तो वो 74 के करीब हम पहुंच गए, 75 के। उसी तरह से लोन डिस्पर्समेंट जो क्यूमुलेटिव, एक दिन का तो एक SHG को आज मिला, दूसरे को कल मिला, तो केवल 80,000 करोड़ था, जो आज मैं कह सकता हूं, मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि लगभग 5,45,00,000 करोड़ हो गया। यह छोटी बात नहीं है, मोदी जी का ई गवर्नेंस पर जो फोकस है, आप देखें अन्य सरकारी राशि की बात, उस समय केवल 11,185 करोड़ था, अभी 40,898 करोड़। लेकिन मैं NPA की बात कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री का सोच ई गवर्नेंस, और ई गवर्नेंस पर हमारी दीदी जो 2 रुपया नहीं देखती थी, आज 3 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, वो कहने में उसको बाइफर्केट नहीं कर रही थी, 20,000 इसकी आमदनी, 10,000 उसकी आमदनी। उस समय 13-14 में 9.58 था, 9.58 NPA, लेकिन इन दीदियों ने व्यवस्था के कारण आज 2.57 पर NPA है। ये इन्हीं का कमाल है। मैं अभी अपने अधिकारियों से कह रहा था बगल में बैठे कि जरा MSME का स्मॉल, मैं उस विभाग का भी मंत्री रह चुका हूं, अभी मैं लेटेस्ट देख रहा था 7.68%, जो पीछे समथिंग 6.28 था, हो सक कुछ अंतर हो, यानी मोदी जी के गवर्नेंस में, मोदी जी के अवधारणा में, प्रधानमंत्री के योजना में, इन हमारी गरीब बहनों ने, दीदियों ने ईमानदारी से अपनी भी तरक्की करके आज आपके सामने, आपके द्वारा, आपके समक्ष अपनी भावना को भी रख रही थी, और सरकार के पैसों को भी बड़े बड़े उद्यमी करने वालों से भी ज्यादा ईमानदारी से पैसे को भी वापस कर रही है। ये बड़ी बात है, सरकार ने पहल की। हमारे अंदर आज जो हम यहां इकट्ठे हुए हैं, Mission 1 Lakh जिसकी चर्चा ये की है, Mission 1 Lakh अगर हम ले जाते हैं 10 करोड़ की आबादी को, तो 10,00,000 करोड़ की आबादी अगर Mission 1 Lakh यानी 10,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री के 5 trillion जो उनका सपना नहीं बल्कि उनकी योजना है, उस योजना में इन बहनों का योगदान होगा, 5 trillion योजना में 10,000 करोड़ का, यह छोटी बात नहीं है। और जिस दिन भारत का आधी आबादी के हाथों में, भारत की अर्थनीति के साथ कंधे में कंधा मिला के चलने की ताकत होगी, उस दिन भारत को 5 trillion होने से कोई रोक नहीं पाएगा। उसके लिए हमने प्रयास भी शुरू कर दी है, मिशन मोड पे काम कर रहे हैं। पहले हमारी बहन
बैंकिंग करस्पोंडेंट सखी के रूप में नहीं थी। अब हमारी बहन कह रही है मैं अपने बहनों को बैंक सिखाती हूँ, ये करती हूँ, बैंक भी उन्हें। मैं बैंकों से भी आग्रह करूँगा, मैं तो आपके सम्मान के लिए खड़ा हूँ और सब दिन खड़ा रहूँगा, और विभाग से भी कहूँगा कि जो CLF है, जो विलेज ऑर्गेनाइजेशन है, जो SHG हैं, उनमें कम समय में हमारी बहनों को लोन देने का काम करे, उसकी समय सीमा तय हो, और बैंक के पास भी जब SHG का प्रपोजल जाए, जब बैंक के पास SHG का प्रपोजल जाए तो बैंक इंस्ट्रक्शन दे कि विद इन ए वीक SHG के पास उसका लोन सैंक्शन हो जाए, क्योंकि आपके पैसे तो हम डे बाय डे ईमानदारी से दे रहे हैं, उसी तरह CLF भी करे। तो हमने बैंक क्रॉस्पेंडेंट सखियों को निकाला, वही नहीं किया, स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम चलाया जिसकी चर्चा हमारी बहन ने की, पहले नहीं था, आज 2 लाख करीब बहनें हमारी हो गई। पहले आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस नहीं था, जो हमारी बहन कही कि 15,000 रुपया हम अभी कमा रहे हैं उससे। तो ये कई ऐसे कार्यक्रम हमने चलाए। अब आप जिसकी चर्चा हमारी बहन ने की, कम्युनिटी संचालित कस्टम हायरिंग सेंटर, इसमें किसानों की के लिए, अपनी बहनों के लिए खेती से जुड़ी हुई एक तरह से इक्विपमेंट बैंक है। अभी मैं अपने कंस्टिट्यूएंसी में ड्रोन का उपयोग बहनों को सिखा रहा था, क्या तो मैं उसके चेहरे को देख रहा था, वो कहीं एक हफ्ता उनको सिखवाया कंस्टिट्यूएंसी में ही ले जा करके, एक मल्टीप्लेक्स बेंगलोर की कंपनी थी उसके ड्रोन को, उनके अंदर कॉन्फिडेंस था। मैंने कहा कि आने वाले समय में एग्रीकल्चर में ड्रोन का उपयोग होगा कस्टमाइज हायरिंग के तहत, हम बहनों को आज से ही इस, मैंने देखा कि उसमें सारी ताकत है, वो करने की ताकत है। हमने उसी जिसका प्रोड्यूसर इंटरप्राइजेज प्रोड्यूसर ग्रुप, पहले इंटरप्राइजेज थे 34, आज 147 है, और सबसे बड़ा प्रधानमंत्री का जो सपना है कि गांव को सोशल सिक्योरिटी से, गरीब को सोशल सिक्योरिटी से, सामाजिक बंधन से डालें, आर्थिक बंधन से, क्योंकि देश में पूरी दुनिया में बीमा का कवरेज सबसे कम था मोदी जी के आने के बाद भारत में, दुनिया में। तो आप जब जाते हैं विदेश, यहां बैठे लोग जाने वाले हैं, उनका बीमा करवाना पड़ता है, नहीं तो बताना पड़ता है। आज मोदी जी के राज में हमारी बहनों का पीएम सुरक्षा बीमा योजना 4 करोड़ बहनें करा चुकी है, 4 करोड़ से ज्यादा। पीएम ज्योति बीमा योजना ये भी 3.5 करोड़ के लगभग करा चुकी है। पीएम जन आरोग्य योजना ये भी 4.33 करोड़ करा चुकी है। अब सबको ऑर्डर चला गया है कि जो जनधन अकाउंट है, जो SHG का अकाउंट है, उस पर 5,000 रुपये का उनको OD उनको तुरंत इशू किया जाए। मैं ये भी, और जो 10 लाख से 20 लाख किया गया है, आपके ब्रांच के लोग जानते हैं किस SHG का क्या कैपेसिटी है, कुछ नहीं, आप अपने बैंकिंग पॉलिसी के तहत ही उनके साथ ऐसा व्यवहार करें। क्योंकि हमें एक बहन कही कि मैं चावल की मिल बैठाई, गांव में धान सस्ते में था, मैंने SHG में पैसा मांगा, SHG ने बैंक में दिया, बैंक करते करते 2 महीना लगा दिया, तब तक धान की कीमत बढ़ गया। हमारी बहन तो छोटी छोटी चीजें करती है, इसलिए मैं बैंकों से कहूंगा कि आप अपना इंस्ट्रक्शन दें कि उसका समय सीमा कम हो। इसलिए अब तो 10 लाख से 20 लाख वित्त मंत्रालय ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किया है। मेरा आपसे आग्रह है, अब 2 काम मैं माननीय सचिव को कहूंगा कि अब
कल प्रधानमंत्री जो जेनरिक दवा जन उसमें उन्होंने कहा कि पहले स्वच्छ मुश्किल से गांव में कोई सैनिटरी पैड का गरीब नाम नहीं लेना चाहता था, बेटी हमारी नहीं लेनी चाहती, एक जन आंदोलन बनाया और इसमें गरीब महिलाओं की भूमिका जो पहले 98% था आज 80% हो गया है। अब ये एक रुपये मिलता है, एक इनको जैसे अन्य सखी बनी है उसी तरह से जन औषधि सुविधा सखी हो और 5 लाख रुपए का बैंक से इनको दुकान खोलने के लिए सहायता भी मिलेगा। ये स्वास्थ्य मंत्रालय से बात करके इस काम को करना चाहिए। उसी तरह से जब प्रधानमंत्री हम लोगों को एड्रेस कर रहे थे, पेट्रोलियम मंत्रालय ने जो अभी 14 करोड़ उज्ज्वला दिया गया गैस सिलेंडर, ये 14 करोड़ में कभी कभी हमारी बहनों को पैसे नहीं रहते समय पर, उन्होंने माइक्रो फैसिलेटर कहें डिस्ट्रीब्यूटर कहें, वो एक कल्पना की सोच बन रही है। अगर सोच बनती है तो हमारी बहनें गांव में माइक्रो फैसिलेटर डिस्ट्रीब्यूटर की भूमिका में गैस भी बेचेंगी, गैस का सिलेंडर। मैं आपके आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर मैं कहूंगा कि आज 1 लाख रुपया मेरा लक्ष्य तो है कि 1 लाख रुपया सालाना नहीं, 1 लाख रुपया महीना कमाने वाली हम बहन बने। आज तो 1 लाख वालों को मैंने प्राइज दिया है, आने वाले दिनों में अगर चाहे तो जिस ढंग से विभाग हम जोड़ रहे हैं किन किन सेक्टर में हम इनको मार्केटिंग से, प्रोडक्ट से, वैल्यू एडिशन से, इन सब चीजों से जोड़ करके इनकी आमदनी को बढ़ावे और बढ़ा करके हम ये बहनें भी दिखाएं जो आज 1 लाख के बदले 12 लाख की आमदनी वाली बहनों को हम आने वाले दिनों में प्राइज दे सके। प्रथम चरण में हमने कम्युनिटी मोबिलाइजेशन इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पे जोर दिया। अब समय आ गया है हाई ऑर्डर इकोनॉमी एक्टिविटीज पे फोकस देना। एक समय था ये डिपार्टमेंट सेल्फ कंजम्पशन के लिए हमारी बहनें लोन लिया करती थी, क्योंकि बाजार से साहूकारों से जब जरूरत पड़ता था तो वहां से लेना पड़ता था। लेकिन वो समय अब बीत गया। अब देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 लाख से 20 लाख रुपया और उसमें भी हम इंटरेस्ट सबमिशन भी देते हैं। 250 जिलों में तो हम 7% पर ही लोन दे रहे हैं, उसमें भी जो बहन अच्छे से काम करे लौटा दे से जी उनको 3% और देते और रेस्ट को 7 से नीचे नहीं जाने देते। भारत की सरकार हम पूरा लगे हुए हैं और मैं आज के अवसर पर अब हाँ सॉरी अभी तो टोटल सभी जिलों में कर दिया, 250 के बदले पूरे जो हमारे जिले हैं सब में एक ही समान होगा। ताली तो बजा दो एक बार। मैं आज बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। मैं आज के अवसर पर इतना ही कहूंगा कि मेरा लक्ष्य है 19 करोड़ हाउस होल्ड को, फर्स्ट फेज में जो हमने 10 करोड़ लिया है 24 तक, उस 24 करोड़ तक हम कैसे पहुंचे और उम्मीद है जो हमारी गति है वो 10 करोड़ से अधिक बढ़ेंगे। आज महिला ए वुमेन प्लेस इन लीडरशिप, मैंने देखा कि हमारी महिलाएं नेतृत्व कैसे संभालती हैं, कैसी अच्छी अच्छी बातें कह रही थी। अगर हम भी गांव के भाइयों को बुलाए होते
ऐसे ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करते जैसा मेरी बहन कर रही थी, ए वुमेन प्लेस इन लीडरशिप, ए वुमेन प्लेस इन लैब। आज मैंने कहा कि दुनिया के उन ऊंचाइयों पर लैब में जाकर के सॉफ्टवेयर में जाके काम कर रही है, आज हमारी बहनें भी जो काम न्यायालय कर रही है उस काम को कर रही है कि लोगों के परिवार में एक खाई जो है उस खाई को भी मिटा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी वुमेन प्लेस इन स्पेस। मैंने आपको बताया कि हमारी बहनें मिसाइल विमेन भी हैं, स्पेस पर भी हैं, चंद्रयान में भी हैं, और पॉलिटिक्स में विमेन इन पॉलिटिक्स कहने की जरूरत नहीं है, तो हर घर हर समाज में है। और एकेडमिक की तो बात ही कहना दूर है, पूरे देश और दुनिया में एक अपना स्थान बनाने में रही हैं, चाहे इंजीनियरिंग का सेक्टर हो, शांति के सेक्टर में तो महिला से ज्यादा कुछ नहीं होगा। ये वुमेन प्लेस इन पीस कीपिंग, जब भी जरूरत होता है तो शांति की बात, ममता की बात, सामान्य की बात, यानी आज बहन देश के हर भाग में इनकी उपस्थिति है। मुझे आज खुशी हुई है कि मैं अपने लक्ष्य को, एक लक्ष्य जो प्रधानमंत्री का सपना है प्राकृतिक खेती, आज पंजाब के अंदर एक ट्रेन चलती है उसे कैंसर ट्रेन कहते हैं। आज हमारी बहन बता रही थी राजस्थान की कि हमने जैविक खेती शुरू की, अब मैं प्राकृतिक खेती में भी इन महिलाओं का योगदान सबसे आगे रहने वाला है, इस मिशन को भी लेकर चलने वाला हूं। मैं इस अवसर पर सभी को धन्यवाद देता हूं और महिलाओं से कह रहा हूं जो यहां नहीं हैं, जो कहीं से सुन रही हैं, ये चुनौती आपके लिए है, ये चुनौती विभाग के लिए नहीं है कि आज आप 1,00,000 आप कह रही हैं। एक बहन ने कही कि मैंने अपने पति को कार दी, हम कहे आज तक तो दहेज मांग रहा था, अब तो खरीद के, किसी ने कहा छोटी कार, बोले सबने, तो अब एक समय बदल गया है कि दोनों कंधे से कंधे मिलाकर के देश के साथ, जो आज तक लोगों ने कहा कि ये केवल इनको पॉपुलिस्ट स्कीम से जोड़िए NRLM, उन्हें सेल्फ स्कीम से जोड़ करके आज उनको अपने पैर पे खड़ा करने का काम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबके आने वाले दिनों में मैं इतना ही चाहूँगा कि जो समय आ रहा है हम सब मिलकर के बैंकर के साथ मिलकर के डिपार्टमेंट, राज्य सरकार, CLF, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, SHG, हमें केवल इनको मार्केट लिंक पहुंचाना है। आज कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन दुनिया की है जो कह रही है कि हम आपके प्रोडक्ट को केवल प्रमोट करेंगे, महिलाओं के प्रोडक्ट को, तो हम उस ओर भी बढ़ रहे हैं कि पूरे देश में कौन कौन राज्य होगा, कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा पॉपुलर होंगे, उनकी मार्केटिंग कैसे होगी, हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और उन दिशा में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारी बहनों की हाथ भी मजबूत होगा, जब बहनों की हाथ मजबूत होगा तो मैं अभिभूत हूँ, क्या सचमुच में 5 ट्रिलियन में हमारी बहनों का योगदान 10,000-20,000 करोड़ का होगा। जिस दिन 10,000-20,000 करोड़ की ओर अब हम बढ़ रहे हैं, इस साल हमने टारगेट लिया है 10,00,000 करोड़ की ओर, 10,00,000 करोड़ जब होगा, अभी हम बढ़ रहे हैं कि 2,50,000 करोड़ महिला को 1,00,000 की ओर ले जाएं, तो 10,000 करोड़ उसका रिफ्लेक्शन आएगा अमाउंट में, 1,00,000 करोड़ का GDP में वो आएगा योग। तो जब 2,50,000 करोड़ का टारगेट इस वर्ष हमने लिया है, उम्मीद है कि इस साल हम 2,50,000 करोड़ बहनों को वहां तक पहुंचाएंगे। और जब ये गाड़ी पहुंचेगी तो ये गाड़ी एक्सप्रेस वे की ओर चलेगी, और चलने के बाद फिर वो लाखपति नहीं, उससे भी ऊपर
की पति होगी और देश और दुनिया में नाम कमाएगी, हमारी शुभकामना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मार्गदर्शन के लिए हार्दिक धन्यवाद। माननीय मंत्री जी के समर्थन के कारण ही हम आजीविका योजना को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ावा दे पाए हैं और उपस्थित सभी प्रतिभागियों से निवेदन करते हैं, एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ माननीय मंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। और इसी के साथ ही आमंत्रित करते हैं श्री रमन बदवा, डेप्यूटी डायरेक्टर DAY NRLM ग्रामीण विकास मंत्रालय से, कि वे उद्घाटन सत्र का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ करें। मैं आदरणीय श्री गिरिराज सिंह जी, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज का आज कार्यक्रम में उनकी गरिमामय उपस्थिति एवं मार्गदर्शन के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय, आपके वचन निश्चय ही सभी को प्रोत्साहित करते हैं और महिलाओं को अग्रसर करने हेतु प्रेरित कर रहे हैं। हम माननीय राज्य मंत्री ग्रामीण विकास एवं कंज्यूमर अफेयर्स साध्वी निरंजन ज्योति जी एवं माननीय राज्य मंत्री ग्रामीण विकास एवं इस्पात श्री फग्गन सिंह जी कुलस्ते, जो कार्यक्रम में अत्यंत व्यस्त होने के बावजूद भी हमारे मार्गदर्शन को प्रशस्त करने के लिए वर्चुअल मोड में उपस्थित हुए, हम उनके आभारी हैं। मैं आदरणीय सचिव महोदय ग्रामीण विकास श्री नागेंद्र नाथ सिन्हा जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि आपके कुशल नेतृत्व एवं दिशा निर्देशों से कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन सम्पन्न हो सका। मंच पर आसीन आदरणीय सचिव महिला एवं बाल विकास श्री इंदिवर पांडे सर का भी हम धन्यवाद करते हैं कि आपने सक्रिय भागीदारी कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया। वर्चुअल मोड से उपस्थित भूमि संसाधन विभाग के सचिव श्री अजय तिर्की सर एवं पंचायती राज के सचिव श्री सुनील कुमार जी का भी इस कार्यक्रम में उपस्थिति के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हमारे विभाग के संयुक्त सचिव आदरणीय श्री चरणजीत सर, श्रीमती नीता केजरीवाल मैडम एवं संयुक्त सचिव श्री रोहित कुमार सर, बनर्जी सर, अमित कटारिया सर एवं हमारे इकोनॉमिक एडवाइज़र विभाग के, इन सब का सहृदय से धन्यवाद करते हैं कि आपकी संरचना में ये कार्यक्रम काफ़ी सफलतापूर्वक आयोजित हो सका। विभाग के सभी अधिकारियों का हम धन्यवाद करते हैं। यहाँ उपस्थित मीडिया बंधुओं का भी धन्यवाद करता हूँ जिनकी उपस्थिति कार्यक्रम के सफल प्रचार में सहयोग रहेगी। वर्चुअल मोड से हमारे साथ जुड़े विभिन्न राज्यों के SMDs और यहाँ पर उपस्थित SMD CEO को भी हम यहाँ पे धन्यवाद करते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक के प्रतिनिधि, DDU GKY के पार्टनर्स, हमारे PIAs, मिशन के NSO NROs जो यहाँ उपस्थित हुए और वर्चुअल मोड से हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और सबसे मुख्य विभिन्न राज्यों से आई स्व सहायता समूह की दीदियाँ, इस मातृशक्ति जो हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं एवं जो हमारे साथ वर्चुअल मोड से भी जुड़ी हैं, साथ ही DDU GKY से प्रशिक्षित सदस्य, उन सब का हार्दिक अभिनंदन एवं आभार जिनके कारण यह कार्यक्रम अत्यंत शोभायमान हो सका है। मिशन के एवं DDU GKY के समस्त कर्मियों का सहृदय आभार जिन्होंने जीतोड़ मेहनत कर इस आयोजन का सफलतापूर्वक हमें सफल बनाने में सहयोग किया, उन सब का भी हम धन्यवाद करते हैं। सभी को पुनः धन्यवाद, नमस्कार। हार्दिक धन्यवाद। और इसी के साथ माननीय मंत्री जी का एवं सभी वरिष्ठ अधिकारी गण का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करते हैं। सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं।